आज के इस वीडियो में बात होने वाली है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2 सेकेंड एनसीईआरटी रीडिंग पे बात करेंगे। देखो जब हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं क्लास में तो एक बार अगर हम रीडिंग कर लेते हैं तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हमने क्या हुआ है इस चैप्टर की रीडिंग कर ली है और जो हमने पढ़ा है वही इस एनसीईआरटी में लिखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो फ्लावरिंग प्लांट का माना कि एंजियोस्पर्म की बात करना चाह रहा है यहां पर, क्योंकि फ्लावर का पाया जाना एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है और उस एंजियोस्पर्म में कौन सा रिप्रोडक्शन हो देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो चैप्टर का मतलब है एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो यहां पहली लाइन यहां पर लिखा है, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। कह रहा प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्या हम लकी नहीं है? पता नहीं। इधर देखना मेन मेन लाइन पढ़ते हैं, कह रहा है इसमें। फिर अगली लाइन लिखी है यहां पर प्लांट, अब कुछ लोग पहली लाइन पढ़ के कहेंगे सर प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना हमारे लिए लक की बात कैसे है। चलो अगली लाइन देखते हैं, कह रहा है इसमें द मीरियड्स ऑफ असंख्य फ्लावर होते हैं डैट वी इंजॉय गेजिंग एट, जिसको हम आनंद लेते हुए टकटकी लगाकर देखते हैं, द सेंट और सूंघते हैं एंड परफ्यूम डैट बी, जो परफ्यूम उसको सूंघते हैं डैट बी स्विन ओवर, जो हमें मदहोश कर देते हैं, द रिच क्लर क्लर से भरपूर डैट अट्रैक्ट अस, जो हमें अट्रैक्ट करता है, ऑल देयर एज एड, ये जितने भी चीजें हमने ऊपर पढ़ाए चाहे क्लर हो गया सेंट हो गया, ये एड मतलब सहायक होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस, कह रहा फ्लावर केवल अपने लिए नहीं है कि ह्यूमन के फायदे के लिए है, टू बी यूज फॉर ओन सेल्फिशनेस, ताकि हम उसे अपने फायदे के लिए यूज करें। फ्लावर ऑल फ्लावरिंग प्लांट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, हम इसकी स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी देखते हैं, इन डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर की डाइवर्सिटी देखते हैं, ऑफ और फ्लावर की डाइवर्सिटी देखते हैं, फ्लोरल पार्ट, देखो इनफ्लोरेसेंस मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर, और फ्लावर क्या, फ्लावर किससे मिलकर बना होता है, फ्लोरल पार्ट, सो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडॉप्टेशन, उसमें अलग अलग तरीके के एडॉप्टेशन होते हैं, टू एंश्योर, ताकि वो पक्का कर सकें फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ, एंड प्रोडक्ट यहां से क्वेश्चन बन सकता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको क्या बोल रहे हैं, फ्रूट एंड सीड, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूट एंड सीड। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में लेट अस अंडरस्टैंड, आओ समझते हैं द मॉर्फोलॉजी, ऊपर ऊपर वाला स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कह रहा है इसमें आगे वाली लाइन क्या बोल रहा है, ह्यूमन बींग फ्लावर, देखो फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, चौंकाने वाले ऑर्गन होते हैं एंजियोस्पर्म के। देखो इसमें बोला जा रहा है ह्यूमन बींग हैड इंटीमेट मतलब होता है घनिष्ठ रिलेशनशिप है फ्लावर के साथ, सिंस द टाइम ऑफ इमेमोरियल, इमेमोरियल मतलब पुराने समय से ह्यूमन का रिश्ता है किससे, फ्लावर के साथ। फ्लावर और ऑब्जेक्ट, फ्लावर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है ऑफ एस्थेटिक वैल्यू, इसको हमें इसकी कुछ सौंदर्य वैल्यू होती है, मतलब ये सुंदरता से भरा हुआ होता है, ऑर्नामेंटल इसे सजावट के लिए यूज करते हैं, सोशल सामाजिक रिलीजियस और कल्चरल सांस्कृतिक वैल्यू होती है इसकी, और दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज, इसे हमेशा यूज किया जाता है। फ्लावर एक सिंबल होता है जिससे हम कन्वे कर सकते हैं, कन्वे मतलब अपनी फीलिंग को व्यक्त कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, जैसे लव हो गया, एफेक्शन मतलब प्रेम हो गया, हैप्पीनेस को शो कर सकते हैं, ग्रीफ मतलब दुख को, मॉर्निंग मतलब शोक समारोह में भैया फूल लेके चले गए, लव हुआ उसको एक्सप्रेस करना हुआ तो गुलाब लेके चले गए, तो ये एक सिंबल गुलाब, ये फ्लावर एक सिंबल होता है जिस जो ह्यूमन के फीलिंग को कन्वे कर सकता है, एक एक कन्वे मतलब क्या होता है, पहुंचाना। इधर देखना लिस्ट ऑफ, कह रहा है लिस्ट एट फाइव फ्लावर, कह रहा है एक लिस्ट बनाओ फाइव फ्लावर की जिसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू हो, तो दो तो एनसीईआरटी से अपने हैं क्या, अगर फैमिली पढ़ोगे ऑर्नामेंटल वैल्यू, एक है ल्यूपिन और दूसरा है ट्यूलिप,
ये तो अपनी बात हो गई। फिर और ले लो जिसको सजावट के लिए यूज किया जाता है, रोज हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, उसके बाद सनफ्लावर हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, इन सब का ऑर्नामेंटल वैल्यू है। देखो उसके बाद पीछे क्या लाइन छोटी है, हाँ, कल्टीवेटेड किया जा रहा है होम एंड, चलो ये ठीक। फाइंड आउट द नेम ऑफ फाइव फ्लावर डेट आर सोशल, जिसे सोशल सामाजिक और कल्चरल सेलिब्रेशन में यूज किया जाता है। तो इसमें भी कई सारे होते हैं, जैसे रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, डहलिया हो गया, उसके बाद डहलिया हो गया, ऐसे बहुत सारे होते हैं। देखो हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है फ्लोरिकल्चर के बारे में? व्हाट इज फ्लोरिकल्चर? तो भैया फ्लोरिकल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर। अगर हम फ्लावर का कल्टीवेशन कराते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। चलो टू बी बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट होने के नाते, देखो कह रहा बायोलॉजिस्ट होने के नाते, फ्लावर और मॉर्फोलॉजिकल टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर और मॉर्फोलॉजिकल मतलब ऊपर से, और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स मतलब होता है चमत्कार है। और ये यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है, जगह है। इन क्लास 11 यू हैव रीड द वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर, अलग अलग पार्ट होते हैं फ्लावर के जो यहां पर दिए गए हैं। विल यू हेल्प रिकॉल द पार्ट ऑफ टिपिकल फ्लावर? देखो चार फ्लावर होते हैं, मतलब एक फ्लावर के चार पार्ट होते हैं। देखो भैया इसमें क्या होता है, एंड पहले सबसे नीचे वाला कैलिक्स, फिर क्रोला, फिर गाइनोसियम, फिर या देखो एंड्रोसियम, इसको अलग अलग हमने कर दिया, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स पूरे होर्ल को बोला जाता है, पूरे ग्रुप को बोला जाता है, एक को बोला जाता है इसमें सेपल, और उसके बाद क्रोला पूरे होर्ल को बोला जाता है, इसके यूनिट को क्या बोला जाता है? पेटल। उसके बाद एंड्रोसियम पूरे होर्ल को बोला जाता है, एक को बोला जाता है स्टेमेन, और एक अगर फीमेल, ये गाइनोसियम अभी ग्रुप में नहीं, ग्रुप के पूरे गाइनोसियम अगर एक पाया जाए तो उसे कार्पेल बोल दो, या क्या बोल दो? पिस्टल बोल दो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये हमने रिकॉल कर लिया। कैन यू नेम द टू पार्ट ऑफ फ्लावर? क्या तुम नाम बता सकते हो दो फ्लावर के दो पार्ट का? इन विच, जिसमें द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, भैया दो पार्ट हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ये एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। देखो अब फर्टिलाइजेशन को अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसको तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला तो फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमें क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन में बताओ कौन कौन से इवेंट्स आते हैं? तो पहले तो हम सर गैमीट बनाएंगे, गैमिटोजेनेसिस। गैमीट बनाने की प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनाना, गैमिटो मतलब गैमीट। उसके बाद हम गैमीट का ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे? गैमीट ट्रांसफर करेंगे। तो चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो वही कहा, और स्ट्रक्चर में हम किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? किसका? फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब स्ट्रक्चर फ्लावर का पढ़ना है। और इवेंट्स, इवेंट्स में क्या? गैमिटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफर पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन में। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन, एक्चुअल फ्लावर देखे जाने से बहुत पहले, ऑन प्लांट डिसीजन, द डिसीजन दैट प्लांट इज गोइंग टू, ये डिसीजन लिया जाता है कि प्लांट द्वारा, कि प्लांट जा रहा है फ्लावर फ्लावरिंग करने जा रहा है। सेवरल हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेवरल हार्मोन एंड स्ट्रक्चरल चेंज आर इनिशिएटेड, जुड़े होते हैं, इनिशिएट होते हैं, विच लीड टू, जो आगे चल के डिफ्रेंसिएशन करा देंगे, और डिफ्रेंसिएशन होके फिर डेवलपमेंट होगा और फ्लोरल प्राइमोर्डियम। देखो फ्लावर कुछ नहीं होता, वो लीफ का मॉडिफाइड पार्ट होता है, तो लीफ जब बनता है तो लीफ प्राइमोर्डियम बनता है, और उसी को जब फ्लावर बनना होता है तो फ्लोरल प्राइमोर्डियम बोलते हैं, बात खत्म। देखो कह रहा है जब फ्लावरिंग इनिशिएट होता है तो कई सारे स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंज होते हैं, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन होता है और डेवलपमेंट होके क्या बन जाता है? फ्लोरल प्राइमोर्डियम। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म, उसके बाद क्या बनता है? ग्रुप, फ्लावर का ग्रुप बनता है जिसे बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म। विच वियर, जिसके पास क्या होगा? पहले तो फ्लोरल बर्ड होगा, उसके बाद वो फ्लोरल बर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लावर में। और ग्रुप ऑफ द फ्लावर को क्या बोलेंगे? इनफ्लोरेसेंस इन द फ्लावर। फ्लावर में क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव द एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप्ड हो जाते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोसियम। यू वुड
रिकलेक्ट, तुम रिकलेक्ट कर सकते हो डैट एंड्रोसियम कंसिस्ट होल ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन का पूरा होल होता है जिसे क्या बोलते हैं एंड्रोसियम, रिप्रेजेंटिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वाइल जबकि गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आगे बढ़ते हैं, देखो बात को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं स्टेमेन पे। किस पे बात करते हैं? स्टेमेन। स्टेमेन माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन टॉपिक है। देखो स्टेमेन एंड्रोसियम के यूनिट को बोलते हैं और माइक्रोस्पोरेंजियम एक लीफ ले लो, तो भैया देख लो एक लीफ ले लो, ये इसे बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरोफिल बोल रहे हैं। और इसके अंदर जो कमरे होंगे उसे बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, यही माइक्रोस्पोर आगे चल के बना देगा पॉलन ग्रेन। क्या बना देगा? पॉलन ग्रेन। तो मान लो ये लीफ स्टेमेन था तो इसे माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे, इसके अंदर जो कमरे हैं जिसमें माइक्रोस्पोर बन रहा है उसे माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे, और माइक्रोस्पोर ये बन गया यही बनाएगा आगे पॉलन ग्रेन। तो अपना टॉपिक ये है, फिगर नंबर 2.2 में दिखाया गया है। देखो टिपिकल स्टेम में जो होता है, देखो टिपिकल जो स्टेम होता है उसमें ये एक लॉन्ग सिलेंडर पतले पतले स्टॉक डंडे होते हैं जिन्हें बोला जाता है फिलामेंट, ये दिख रहा होगा फिलामेंट, और टर्मिनल एंड पे ऊपर वाले एंड पे जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, अगर यहां दिखाएं प्रॉक्सिमल एंड जो होता है फिलामेंट का, ये वाला एंड जो होता है वो अटैच हो सकता है, ज्यादातर ये अटैच होता है फूले हुए एंड, जिसे क्या बोलते हैं? थैलमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलमस। यहां से अटैच है, हो सकता है ये थैलमस से ना अटैच हो। सर फिर कहां से अटैच होगा? देखो फिलामेंट जो होता है उसका प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो अटैच होता है किससे? थैलमस से। थैलमस आर, अगर ये थैलमस से नहीं होंगे तो पेटल से होंगे, और याद करो अगर पेटल से ये अटैच होंगे तो इस कंडीशन को एपिपेटलस बोला गया था। क्या बोला गया था? एपिपेटलस। द नंबर एंड लेंथ जो होता है स्टेमन का ये वेरिएबल होता है फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग 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 स्टेमन का नंबर होता है, अलग अलग उसकी लेंथ होती है। इफ यू वर कलेक्ट और स्टेमन, अगर तुम कलेक्ट करते हो स्टेमन, स्टेमन ऑफ ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, 10 फ्लावर से आपने स्टेमन को कलेक्ट किया, ईच फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, जो अलग अलग स्पीसीज से थे, एंड अरेंज देम, एक स्लाइड पे उसको अरेंज किया, यू वुड एबल टू एप्रिसिएट, तुम एप्रिसिएट करने लायक बनोगे द लार्ज वेरिएशन इन साइज, उन 100 फ्लावर 100 स्पीसीज के फ्लावर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है साइज में देखा गया है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन, प्रत्येक स्टेमेन का अगर केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे अंडर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट और स्वच्छ डायग्राम बनाएंगे, वुड इलुसिडेट, मतलब स्पष्ट करेगा द रेंज इन शेप, शेप एंड अटैचमेंट जो एंथर का होता है वो भी होता है डिफरेंट फ्लावर में, डिफरेंट होता है, अलग अलग शेप होता है, अलग अलग क्या होता है? अटैचमेंट होता है। कोई अटैच है थैलमस से और कुछ में अटैच है, ज्यादातर अटैच है थैलमस से, कुछ अटैच है पेटल से। देखो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड, बाइलोब्ड मतलब दो लोब, और बाइलोब्ड दो लोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड यहां पर दिख रहा होगा, ये देखो ये बाइलोब्ड होते हैं ना, और प्रत्येक लोब में देखो ये बाइलोब्ड है, ये बाइलोब्ड है, देखो ये बाइलोब्ड है और ये बाइलोब्ड है ना। अब देखो इसमें हर एक लोब में दो थीका है, कितने थीका? दो थीका। तो हम बोल सकते हैं विद, देखो टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है एंथर जो होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म का, वो क्या होता है? बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है ना। अब देखो विद ईच लोब, प्रत्येक लोब के पास हैविंग टू थीका, कितने थीका होते हैं? दो थीका होते हैं, दे आर डाइथीकस, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? डाइथीकस बोला जाता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है भैया? डाइथीकस। ऑफन अक्सर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल, अक्सर जो होता है ऐसा देखा गया है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स होते हैं
ग्रुप्स, लंबे लंबे ग्रुप्स होते हैं, देखो यहां पर खांचे पाए जा रहे हैं लंबे लंबे ना, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स रन लेंथवाइज, लेंथवाइज ये ऐसे आगे बढ़ते हैं, देखो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स जो है, ग्रुप्स मतलब खांचे, लेंथवाइज जा रहे हैं एंड सेपरेटिंग थीका, और देखो दो थीका को क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, आओ समझते हैं, वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू, अलग अलग प्रकार के टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, और इनके क्या ऑर्गेनाइजेशन, किसमें ऑर्गेनाइजेशन भैया, देखो किसमें ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, देखो किसमें ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे ये देखना पहले। लॉन्गिट्यूड कहां पहुंच गए थे, वेरियस टिश्यू, अलग अलग टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, एंथर का हम टीएस काटेंगे और उसमें देखेंगे अलग अलग प्रकार के टिश्यू। देखो बाइलोब नेचर ऑफ एंथर, जब हमने टीएस काटा, 3D स्ट्रक्चर देखा, तो देखा बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट, बहुत साफ साफ दिखा इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन में ऑफ एंथर, एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन में, द एंथर इज अ फोर साइडेड, चार फोर साइडेड, एंथर इज अ फोर साइडेड, हमें चार कॉर्नर दिखे, कितने कॉर्नर दिखे भैया, चार कॉर्नर दिखे, फोर साइडेड स्ट्रक्चर दिखा, क्या दिखा, फोर साइडेड स्ट्रक्चर, इसीलिए इसे बोला गया टेट्रागोनल, टेट्रागोनल मतलब फोर कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर, एंड कंसिस्टिंग, और प्रत्येक कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया गया, मतलब एक कमरा ऐसा पाया गया जिसमें क्या बन रहा है, जिसमें बन रहा है माइक्रोस्पोर, तो ऐसे चार माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर इन टू इन ईच लोब, प्रत्येक लोब में कितने पाए गए, दो, तो कितने लोब हैं, दो लोब हैं, तो टोटल ऐसे कितने होंगे, चार माइक्रोस्पोरेंजिया, द माइक्रोस्पोरेंजिया यहां पर देख सकते हो, ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये दो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये तीन है और ये भैया चार है, तो ऐसे चार माइक्रोस्पोरेंजिया पाए गए। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के डेवलप होके वो बनाएगा पोलन सैक, क्या बनाएगा, पोलन सैक, दे अ पोलन सैक, जितना लेंथ होगा, देखो ऐसे ये पोलन सैक है एंथर के अंदर, मान लो ये पोलन सैक है, इसके अंदर भी स्पेस है, तो जितना लंबा एंथर होगा, जैसे यहां पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये है पोलन सैक, पोलन सैक मतलब झोले जैसा स्ट्रक्चर, सैक मतलब झोले जैसा स्ट्रक्चर जिसमें पोलन बने, अब ये लॉन्गिट्यूडनल गया हुआ है ना, तो जितना साइज एंथर का होगा उतना ही साइज किसका होगा, पोलन, पोलन सैक का होगा। तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, देखो यहां पर वही बात कह रहा है हमसे कि दे एक्सटेंड, ये लॉन्गिट्यूडनली गए होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर, जितना ज्यादा लेंथ इसका होगा, ऑल थ्रू कहां तक गए होते हैं, जितना ज्यादा लेंथ एंथर का होगा, जहां तक एंथर गया होता है, एंड पैक्ड, इसके अंदर क्या पैक्ड होता है, पोलन ग्रेन, ऐसा झोला जिसके अंदर पोलन ग्रेन पैक हो, से बोलते हैं पॉल, क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स बोलते हैं ना, सैक। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब ये भविष्य का हम बोल सकते हैं पोलन सैक, क्या बोल सकते हैं, पोलन सैक बोल सकते हैं भविष्य का ना, हाँ चलो पोलन सैक बोल सकते हैं। इन ट्रांसवर्स सेक्शन अगर टीएस काटा जाए, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अगर टीएस काटा जाए, इन अ टीएस, टीएस जो हमने देखा है, अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया अपीयर, ये इसका आउटलाइन जो होता है नियरली कैसा होता है, सर्कुलर आउटलाइन होता है, इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर लेयर, कितने लेयर द्वारा सराउंडेड होता है, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम चार लेयर द्वारा सराउंडेड होता है, पहला होता है एपिडर्मिस, उसके नीचे एंडोथीसियम, एक लेयर इसका होता है, एक लेयर इसका होता है, फिर होता है मिडिल लेयर, उसके बाद होता है टेपिटम, क्या होता है, टेपिटम होता है, तो चार लेयर द्वारा ये सराउंडेड होता है, और उसके बाद देखो पहला लेयर क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, उसके बाद दूसरा लेयर को हम बोल सकते हैं एंडोथीसियम, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद दो से तीन लेयर होते हैं किसके, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, उसके बाद जो होता है, उसके बाद सबसे लास्ट ये है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसी के चारों तरफ है टेपटम, क्या है, टेपटम, ये फोर्थ लेयर है, फोर्थ लेयर टेपटम। चलो अब देखना, तो कहने का मतलब यह है द आउटर थ्री लेयर, ये जो आउटर के तीन लेयर होते हैं, इनका काम होता है क्या, इनका काम होता है परफॉर्म, क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन करते हैं, और समय आने पर जब इन्हें फटना होता है तब भी ये मदद करते हैं, हेल्प इन डेहिसेंस मतलब फटना एंथर
टू रिलीज, क्यों एंथर फट रहे हैं, ताकि पॉलन ग्रेन रिलीज कर सकें। इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, टेप्टम। टेप्टम क्या करता है, इनमें जो डेवलपिंग जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं उनको नरिशमेंट देता है। इट नरिसेस, ये नरिश करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन सेल ऑफ टेप्टम। अगर एक सेल की इनके बात करें तो सेल ऑफ टेप्टम पसेस उसके पास पाया जाता है डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। और जनरली ऐसा देखा गया इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। कैन यू थिंक हाउ टेप्टल सेल कुड बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, कैसे अगर टेप्टल सेल बाई न्यूक्लिएटेड हो सकता है? तो भैया हमें पता है किसी भी सेल में, अगर किसी भी सेल में कैरियोकाइनेसिस करा दो और साइटोकाइनेसिस ना कराओ तो एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गया। तो ऐसे इसमें भी हुआ होगा, कैरियोकाइनेसिस हो गया, साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं। तो चलो, when the anther is young, जब anther young होता है भैया सुनो, when anther is young, group of compactly arranged homogeneous सेल होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोला जाता है, स्पोरोजीनस टिश्यू, क्योंकि इसी टिश्यू में से कुछ सेल क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। ऑक्यूपाई, जो ऑक्यूपाई करता है क्या, कौन सी जगह पे पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के कहाँ पाया जा रहा है, सेंटर पे पाया जा रहा है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो भैया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करते हैं। सर जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एज एंथर डेवलप, जब एंथर डेवलप होता है सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, वो मियोटिक डिवीजन में जाता है एंड टू फॉर्म, ताकि क्या बना सके, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बना सके, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब बोल रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है और मियोसिस द्वारा बना है। मियोसिस फर्स्ट हुआ है और मियोसिस सेकंड हुआ है। तो बताओ टेट्राड की प्लॉयडी क्या होगी, मियोसिस क्रोमोजोम नंबर को प्लॉयडी को हाफ कर देता है तो टेट्राड की प्लॉयडी क्या होगी, एन होगी प्लॉयडी ना। चलो अब देखो इसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो है एपिडर्मिस, उसके बाद देखो एंडोथीसियम, उसके बाद दो से तीन लेयर मिडिल लेयर, उसके बाद ये देखो ये है टेप्टम की लेयर और सबसे अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसी में मियोसिस होगा और क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। देखो दो लोब को जोड़ने के लिए यहाँ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये है कनेक्टिव, ये है एपिडर्मिस, इसके नीचे एंडोथीसियम और देखो सेंटर पे, एंथर के सेंटर पे स्पोरोजेनस टिश्यू पाया जा रहा है और यहाँ पर टेप्टम पाया जा रहा है और उसके टेप्टम के ऊपर मिडिल लेयर पाया जा रहा है ना। तो वही बात हमसे कह रहा है, यहाँ पर एक्चुअल दिखाया गया पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, एंथर फट रहा है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, यहां पर दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू कैपेबल, प्रत्येक सेल जो होते हैं, यहां पर प्रत्येक सेल लिखा है लेकिन हमने कुछ जगह कुछ सेल देखा है, प्रत्येक सेल जो होता है स्पोरोजीनस टिश्यू का वो कैपेबल होता है गिविंग राइज, ताकि वो क्या दे सके आगे चल के, माइक्रोस्पोर टेट्राड देख सके। ईच वन इज पोटेंशियल, इसीलिए इस प्रत्येक माइक्रो इस स्पोरोजीनस टिश्यू के जो प्रत्येक सेल होते हैं उन्हें पॉलन पोटेंशियल बोला जाता है या पॉलन स्पोर मदर सेल बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना फ्रॉम पॉलन स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल और किस प्रोसेस द्वारा, मियोसिस द्वारा, उसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म जब ये बनते हैं आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ फोर सेल, वो फोर सेल के चार सेल के गुच्छों में रहते हैं और उन चार सेल को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड अलग अलग में अलग अलग होते हैं, फाइव टाइप के होते हैं लेकिन हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। एज एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होता है एंड डिहाइड्रेट, जब डिहाइड्रेट होता है सूख जाता है, माइक्रोस्पोर जो होता है डिसोसिएट, ये जो चार माइक्रोस्पोर बने थे ये अलग अलग हो जाते हैं और ये चारों डेवलप हो जाते हैं, किसमें, पॉलन ग्रेन बना लेते हैं क्या, एंड ईच अदर एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, डेवलप इंटू पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। इन साइड इज माइक्रो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन आर फॉर्म बनते हैं डेट रिलीज विद डेहिसेंस ऑफ एंथर, जो एंथर के फटने से क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं।
अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन। देखो द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट पॉलन ग्रेन, देखो जिसमें मेल जिसमें गैमीट बने उसे गैमिटोफाइट बोल दो, पॉलन ग्रेन में ही गैमीट बनेगा तो इसे बोला जाता है मेल गैमिटोफाइट। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर हिबिस्कस प्लांट के तुम ओपन एंथर को टच करते हो और एनी अदर फ्लावर या किसी भी फ्लावर, यू वुड फाइंड आपको मिलेगा डिपोजिशन ऑफ येलोइश पीला पीला पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर, आपके फिंगर पे स्प्रिंकल। अब इसको ले जाके छोड़ दो, दीज ग्रेन ऑन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी में, टेकन ऑन ग्लास स्लाइड, जो ग्लास स्लाइड पे आपने लिया है, एंड ऑब्जर्व अंडर, और इसे ऑब्जर्व करो कहां, ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो, यू विल रियली अमेज्ड, आप चौंक जाएंगे एट वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, कि इनकी कितनी वैरायटी है, अलग अलग साइज हैं, अलग अलग इनका बनावट अलग अलग है, चाहे साइज में, शेप में, कलर में, डिजाइन में, अलग अलग है, यहाँ अलग अलग डिजाइन दिया गया है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ निकाला गया है, माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख के जो फोटो निकाला गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यहां पर दिखाया गया है, देखो पॉलन ग्रेन का अलग अलग डिजाइन के हैं, अलग अलग शेप के हैं, सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरीके के होते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है जनरली स्फेरिकल होता है, और मेजरिंग अगर इसका साइज देखा जाए, डायामीटर देखा जाए, तो ये क्या होता है, 20 से 25 माइक्रोमीटर होता है। इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड, इसके पास दो लेयर होता है, मुख्य कितने लेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं। अच्छा उससे पहले, पॉलन ग्रेन पढ़ने से पहले एक बार हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखो भैया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पहले ये कैलोज वॉल जो होता है, जो इसको कवर किया होता है, ये है डिप्लॉयड माइक्रोस्पोरोसाइट, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, तो बताओ ये बाहर वाली लेयर कैलोज की है, तो बताओ कितने सेल बनी, दो सेल, और मियोसिस सेकंड होने के बाद कितने सेल बनी, चार सेल, हैप्लॉयड वन हैप्लॉयड, बताओ हैप्लॉयड न्यूक्लियाई है। अब चार सेल, चारों सेल को माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं। अब देखो ये माइक्रोस्पोर जो होगा वो रिलीज्ड होगा, एक पे हम बात करें, इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, फिर माइटोसिस फर्स्ट होगा। अगर माइटोसिस फर्स्ट होगा ये अनइक्वल होगा, एक छोटे सेल बनेंगे जिसे बोलेंगे जेनरेटिव सेल, एक बड़े सेल बनेंगे जिसे बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। तो सुनो, जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, अब जेनरेटिव सेल में माइटोसिस दूसरा वाला माइटोसिस होगा और दो मेल गैमीट बन जाएंगे, यहां स्पर्म सेल लिखा है जबकि इसे बोल दो मेल गैमीट। अब देखो ये जो पॉलन ग्रेन है ये बाईसेलुलर है, मतलब टू सेल्ड स्टेज वाला पॉलन ग्रेन है, और ये जो पॉलन ग्रेन है ये थ्री सेल्ड वाला पॉलन ग्रेन है। तो बात को खत्म करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। तो पॉलन ग्रेन जो होता है इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड होते हैं, दो लेयर होते हैं, हार्ड आउटर लेयर जो होता है, हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, जिसे एक्साइन बोलते हैं, मेड अप ऑफ, ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन। एक बार इसको अगर हम दिखा दें, देखो थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, ये देखो ये जो है ये है पॉलन ग्रेन, ये बाहर की तरफ वाली जो लेयर है उसे बोल रहे हैं एक्साइन, क्या बोल रहे हैं एक्साइन, और इसके अंदर की तरफ जो लेयर होता है उसे बोलते हैं इंटाइन। एक्साइन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बीच बीच में देखो यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ एक्साइन नहीं है, जहाँ एक्साइन नहीं होता उसे बोलते हैं जर्म पोर, और जर्म पोर से ही निकलता है पॉलन ट्यूब। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, कह रहा है हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन मेड अप ऑफ, वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन, विच वन ऑफ द मोस्ट रजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, ये बहुत ही ज्यादा रजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, मटीरियल होता है, इट कैन विद स्टैंड, ये झेल सकता है हाई टेम्परेचर को, झेल सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड को, झेल सकता है और स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मतलब कौन से मीडियम को झेल सकता है, एल्कलाइन मीडियम को झेल सकता है, और ऐसा एंजाइम अब तक देखा नहीं गया है जो इसे डिग्रेडेट कर सके, तोड़ सके स्पोरोपोलेनिन को। अब पॉलन ग्रेन जो होता है, अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन एक्साइन की, अगर बात करें एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर, एक मुख्य अपर्चर होता है जिसे बोलते हैं जर्म पोर, अभी दिखाया था जहां जर्म पोर क्या होता है, वेयर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट, जहां पर स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट हो। पॉलन ग्रेन और वेल प्रिजर्व, पॉलन ग्रेन को फॉसिल्स के फॉर्म में इसे प्रिजर्व कर सकते हैं बिकॉज प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। व्हाई डू यू थिंक
द एक्साइन शुड बी हार्ड। आप क्यों एक्साइन हार्ड है? तो भैया इसमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? जर्म पोर का फंक्शन क्या है? तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, इसे क्या बोलते हैं? इंटाइन। इंटाइन जो होता है थिन होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, अंदर वाला क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें कहीं बीच में ऐसा नहीं होता कि ये नहीं पाया गया, कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है और बना होता है पेक्टोसेलुलोजिक बोल सकते हैं, क्योंकि पेक्टोज और सेलुलोज का बना होता है, पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन, ये सराउंडेड बाई, अब देखो दो लेयर के बाद अल्टीमेटली ये सेल है ना, तो उसके चारों तरफ क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है इंटाइन। उसके बाद क्या होता है? एक्साइन, जो बीच में जगह छुट्टी उसे जर्म पोर बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर, जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, इट कंटेन टू सेल, इसके पास दो सेल होता है। एक सेल को देखो, इसके पास कितने सेल हैं? दो सेल हैं। एक सेल को बोल रहे हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो विगर होता है, बड़ा होता है, हैज अबेंडेंट, उसके पास अच्छी मात्रा में क्या होता है? फूड रिजर्व होता है, एंड लार्ज न्यूक्लियस होता है, जिसका शेप जो होता है इररेगुलर होता है। एंड द जेनरेटिव सेल, उसके बाद कौन सा सेल आया? जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है और फ्लोट करता है। देखो ये है जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल पाया जा, और ये ऊपर वाला क्या है? वेजिटेटिव सेल। बेजी गुब्बारे के अंदर गुब्बारा समझ लो, ये बड़ा गुब्बारा, उसके अंदर छोटा गुब्बारा क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो जेनरेटिव सेल स्मॉल होता है और फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, किसके साइटोप्लाज्म? वेजिटेटिव सेल। एंड इट इज स्पिंडल शेप, किस शेप के हैं भैया? ये स्पिंडल शेप के हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस होता है। अब देखो टू सेल्ड स्टेज और थ्री सेल्ड स्टेज वाले क्या हैं पोलन ग्रेन अपने पास है? ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पोलन ग्रेन जो होता है सेड एट, वो गिर जाता है टू सेल्ड स्टेज में, दो सेल्ड स्टेज में ही गिर जाता है। रिमेनिंग 40% स्पीसीज में जेनरेटिव सेल डिवाइड करता है माइटोटिकली एंड गिव राइज टू, वो क्या 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 देता है? दो मेल गैमीट बनते हैं बिफोर पोलन ग्रेन सेड, पोलन ग्रेन गिरने से पहले, निकलने से पहले, तो उसे थ्री सेल्ड स्टेज बोलते हैं। देखो पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज वो क्या कराते हैं? कॉज कराते हैं सीवियर, भयानक एलर्जी कराते हैं, एंड ब्रोंकियल डिसऑर्डर कराते हैं, ब्रोंकियल डिसऑर्डर कराते हैं, जैसे अस्थमा हो गया और क्या हो गया? ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकस का फूल जाना। अब देखना इन्फ्लामेशन, इट मे बी मेंशन डैट पार्थेनियम जो होता है, जिसका दूसरा नाम कैरेट ग्रास होता है, डैट केम इनटू इंडिया, जो इंडिया में आया है एज कंटामिनेंट विथ इम्पोर्टेड वीट, जब हमने वीट को इम्पोर्ट किया उसके साथ ये कंटामिनेशन आ गया, हैज बिकम, वो फैल गया है, यूबीक्यूटस मतलब क्या होता है? सर्वव्यापी, हर जगह पाया जा रहा है, इन अक्रेंस कॉज द पोलन एलर्जी, वो क्या करा रहा है? पोलन एलर्जी करा रहा है। पोलन ग्रेन जो होता है रिच इन, इसमें पाया जाता है न्यूट्रिएंट, इट हैज बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर, ये कुछ रिसेंट ईयर में क्या हो गया? फैशन हो गया टू यूज पोलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट, ताकि फूड सप्लीमेंट की तरह पोलन टेबलेट को यूज करना रिसेंट ईयर का फैशन हो गया। इन वेस्टर्न कंट्री में जो होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट आते हैं किस फॉर्म में? टेबलेट के फॉर्म में, सीरप के फॉर्म में, आर अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट में पाए जाते हैं। पोलन कंजम्पशन जो होता है, जो पोलन को हम कंज्यूम करते हैं, हैज बीन क्लेम्ड, ऐसा दावा किया जाता है ये इंक्रीज कर देता है परफॉर्मेंस एथलीट्स का, जो दौड़ने भागने वाले खिलाड़ी होते हैं, एंड रेस हॉर्स, जो हॉर्स रेसिंग करते हैं। ये कुछ यहाँ पर टेबलेट दिए गए हैं, पोलन प्रोडक्ट दिए गए हैं यहाँ पर, देखो ये पोलन प्रोडक्ट है, ये भी, ये देखो टेबलेट दिए गए हैं 30 टेबलेट, एक दिन में एक, तो 30 दिन में 30। चलो भैया, फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से। अब वैन वंस दे आर सेड, जब ये एक बार एंथर से निकल जाते हैं, पोलन ग्रेन हैव टू लैंड, पोलन ग्रेन इन्हें लैंड मतलब गिरना होता है कहाँ? स्टिग्मा पर, बिफोर दे लॉस वायबिलिटी, वायबिलिटी लॉस करने से पहले इन्हें स्टिग्मा पर गिरना होता है। इफ दे हैव ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर इन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो स्टिग्मा पर गिरना है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन रिटेन वायबिलिटी, क्या तुम सोचते हो कि कितने देर तक ये जर्मिनेट करने की क्षमता रखते हैं? तो भैया ये पीरियड जो होता है, पीरियड फॉर विच, ऐसा पीरियड फॉर विच जिसके जिस समय में पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल, पोलन ग्रेन वाइबल रहे,
ये जो होता है हाईली वेरिएबल होता है एंड टू सम एक्सटेंट ये डिपेंड करता है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये डिपेंड करता है वहां का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है इसका वायबिलिटी। इन सम सीरियल्स कुछ अनाज होते हैं जैसे राइस हो गया एंड वीट हो गया, राइस हो गया और वीट हो गया, इसमें पोलन वायबिलिटी जो होता है वो कितने मिनट होते हैं, 30 मिनट होते हैं ऑफ देयर रिलीज, रिलीज होने के बाद। एंड रोजेसी हो गया, लेगुमिनेसी हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोलेनेसी हो गया, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ, ये अपनी वायबिलिटी को एक महीने तक मेंटेन कर सकते हैं। यू मे हैव हर्ड, तुमने सुना होगा स्टोरिंग सीमेन, सीमेन को जो स्टोर किया जाता है या स्पर्म को स्टोर किया जाता है ऑफ मेनी एनिमल, बहुत सारे एनिमल का इंक्लूडिंग ह्यूमन का भी, फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ताकि आर्टिफिशियली फीमेल के अंदर उसे इंसर्ट कर सकें। इज द पॉसिबल, ये जैसे हम स्टोर करते हैं सीमेन को, स्पर्म को, ये भी पॉसिबल है कि हम स्टोर कर सकें पॉलन ग्रेन को ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर अ ईयर, सालों के लिए हम क्या कर सकें, स्टोर कर सकें उसे, किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन। और लिक्विड टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पॉलन ग्रेन कैन बी यूज, इसे यूज किया जा सकता है एज पॉलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक, जो जैसे हम सीड को स्टोर कर सकते हैं वैसे हम पॉलन को स्टोर कर सकते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। चल अगर हम क्रॉप ब्रीडिंग करा रहे हैं तो अब मेल खत्म होने के बाद बात करते हैं फीमेल पे, किस पे बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करते हैं। तो उसमें क्या है, पिस्टिल। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, पिस्टिल ना। चल तो द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल्स बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। अब देखो जैसे वहां अगर हम पिस्टिल को माइक्रो, अगर हम स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल बोले थे तो पिस्टिल को क्या बोलेंगे, पिस्टिल को बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल, मेगा मेगा लगा देंगे, यहां मेगा स्पोरेंजियम, वहां मेगा स्पोर, यहां मेगा स्पोरेंजियम जो होता है वो मेगा स्पोरेंजियम अभी देखेंगे, उसे बोला जाता है ओव्यूल्स। एंड यहां पर क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक, क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो सैक पढ़ेंगे ना। चलो देखना अगर हम बात करें, गाइनोसियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द गाइनोसियम मे बी कंसिस्ट, ये एक सिंगल पिस्टल हो सकता है पूरे फ्लावर में एक गाइनोसियम पाया जाए, सिंगल पिस्टल पाया जाए, तो मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। मे हैव मोर देन वन पिस्टल, हो सकता है एक से ज्यादा पिस्टल पाया जाए, मल्टीकार्पेलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन, जब एक से ज्यादा होंगे तो ये पिस्टल हो सकता है सब फ्री हो, देखो चार पिस्टल हैं चारों फ्री हैं, हो सकता है सारे फ्यूज हो, तो अगर ये पिस्टल फ्री होंगे तो इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अगर ये फ्यूज होंगे तो सिनकार्पस, अगर ये हो सकता है फ्री हो तो फ्री होंगे तो एपोकार्पस, सिन मतलब फ्यूजन, एपो मतलब अवे, कह सकते हैं ना, एक दूसरे से अलग है। ईच पिस्टल हैज थ्री पार्ट, प्रत्येक पिस्टल के पास तीन पार्ट होता है, ये होता है स्टिग्मा, इलोंगेटेड जो होता है वो स्टाइल, और ये बल्ज्ड पार्ट जो होता है बेसल पार्ट उसे बोलते हैं ओवरी। तो द स्टिग्मा, अब स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, क्या होता है भैया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, यहीं पर आकर लैंड करता है पोलन ग्रेन, किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। स्टाइल जो होता है इज द इलोंगेटेड, लंबे लंबे इलोंगेटेड सिलेंडर, पतले पतले पार्ट होते हैं विनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे पाए जाते हैं। बेसल बल्ज्ड मतलब फूला हुआ पार्ट जो होता है पिस्टल का उसे बोलते हैं ओवरी। इनसाइड द ओवरी, ओवेरियन, इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर इज द ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी को हम, इस कैविटी को बोल सकते हैं लोक्यूल, क्या बोल सकते हैं, लोक्यूल। अब देखो द प्लेसेंटा आर लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, अब इस कैविटी के अंदर पाया जाता है प्लेसेंटा। रिकॉल द डिफिनेशन ऑफ, डिफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन, देखो प्लेसेंटेशन जब हमने पढ़ा था, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन ओवरी, या एक्चुअल अगर बोलना हो तो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा विद इन ओवरी प्लेसेंटेशन। अब उसके टाइप मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, ये सब हमने पढ़े थे, बेसल हो गया, ये सब हमने पढ़े थे ना, ये सब हमें रिकॉल नहीं करना अभी। देखो अब यहां पर क्या दिया है भैया, देखो ये स्टिग्मा जहां पर कौन आकर लैंड करेगा, पोलन ग्रेन, उसके बाद आ जाओ, चलो अभी आते हैं इस पे। देखो अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा मेगा स्पोरेंजिया ओब्यूल, जिसे कॉमनली कॉल्ड ओब्यूल बोल दिया जाता है, तो हमें पता है ओवरी के अंदर पाए जाते हैं प्लेसेंटा और इसी से अटैच होता है क्या, ओब्यूल्स। द नंबर ऑफ ओब्यूल्स इन एन ओवरी मे बी, एक हो सकता है एक ओब्यूल्स, जितना ओब्यूल्स होगा, हमें पता आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओब्यूल्स कन्वर्ट होता है सीड में और
ओवरी कन्वर्ट होता है फ्रूट में। अगर ओव्यूल्स वन होगा तो इसके एग्जांपल वीट हो गए, किसमें किसमें, पैडी मतलब धान मतलब राइस, मैंगो हो गया, इसमें एक ओव्यूल्स पाया जाता तो सीड भी एक होगा। मेनी ओव्यूल्स एक ओवरी में होते हैं, जैसे पपाया हो गया, वीट हो गया, वाटरमेलन हो गया, आर्किड्स हो गया, तो इसमें सीड भी तो एक से ज्यादा होते हैं क्योंकि ओव्यूल्स एक से ज्यादा हैं। अब बात करते हैं मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल्स, लेटेस्ट फैमिलेरी मतलब होता है क्या, फैमिलेरीज मतलब होता है हम जानकार हैं, आओ अपने आप को जानकार करते हैं और सेल्फ अपने आप को विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल, ओव्यूल के बारे में अपने आप को जानकार करते हैं। द ओव्यूल जो होता है स्मॉलर स्ट्रक्चर, अगर मटर देखा हो तो यहाँ मटर जो होता है यहाँ पर जो रिज होता है एक उभार होता है और इस उभार को बोलते हैं प्लेसेंटा और इसी प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल्स अटैच होता है और किसकी मदद से होता है, फ्यूनिकल की मदद से होता है ना। तो देखो ओव्यूल्स जो होता है ओव्यूल्स स्मॉल स्ट्रक्चर होता है अटैच टू प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा से अटैच होता है बाई मीन्स ऑफ स्टॉक एक डंडे से, जिस डंडे का नाम होता है फ्यूनिकल, क्या नाम होता है फ्यूनिकल नाम होता है। अगर यहाँ हम थोड़ा सा देख लें तो हमें डिटेल जानकारी हो जाएगी। ये देखो ये हाइलम है, ये देखो ये फ्यूनिकल है, ये अटैच होगा किससे, प्लेसेंटा से अटैच होगा, किससे अटैच होगा प्लेसेंटा से अटैच होगा और जहाँ से ये फ्यूनिकल ओब्यूल से अटैच होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इसको बोलते हैं हाइलम, क्या बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। अब देखो ये जो ओब्यूल है इसके दो इंटेगूमेंट होते हैं, एक होता है ये देखो आउटर इंटेगूमेंट, ये वाला क्या होता है इनर इंटेगूमेंट, और ये जो होता है ये झोले जैसा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक बोलते हैं और एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ ग्रुप ऑफ सेल होते हैं पैरेन्काइमेटा जिसे न्यूसिलस बोलते हैं। न्यूसिलस जो होता है वो इंटेगूमेंट से कवर होता है लेकिन एक जगह कवरिंग नहीं होती, यहाँ स्मॉल पोर जो पाया जा रहे हैं इसे माइक्रोपाइल बोलते हैं, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है चैलेजल एंड होता है, क्या होता है चैलेजल एंड होता है। अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम जो दिया है कार्पेल, देखो यहाँ पर कार्पेल क्या है फ्री है भैया, और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर कार्पेल क्या हो गए हैं फ्यूज, तो ये सिनकार्पस है ये एपोकार्पस है। अब देखो यहाँ तीन पार्ट स्टिग्मा स्टाइल और क्या है ओवरी, और ओवरी किस पे रखा होता है हमें पता है थैलमस पे रखा होता है, फूले हुए एंड को क्या बोल रहे हैं थैलमस। तो यहाँ क्या है ये हिबिस्कस का प्लांट हमें दिखाया गया है ना, ए वाला क्या है फ्लोरल पार्ट ऑफ हैबिन, और सारे पार्ट को रिमूव कर दिया गया, सिर्फ यहाँ पर क्या दिखाया गया है यहाँ पर पिस्टिल दिखाया गया है। और ये देखो मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस, एक से ज़्यादा कार्पेलरी और फ्यूज हैं ये दिखाया गया है पावर में। अब देखना सी वाला डायग्राम, देखो ये वाला मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोसियम, ये माइकेलिया में दिखाया गया है, इसका एग्जाम्पल माइकेलिया होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और डायग्राम व्यू ये टिपिकल एनाट्रोपस, देखो आर्थ्रोट्रोपस एनाट्रोपस ऐसे और सारे टाइप के ओव्यूल्स होते हैं जो अपनी एनसीईआरटी में दिया वो एनाट्रोपस ओव्यूल दिया, इसको यहाँ डिटेल नहीं पढ़ा सकते। चलो अब हमने बहुत सारी बातें बोल दी, अब हम एक बार रीड कर लेते हैं ना। अब कह रहा है यहाँ पर देखो वही बात हमने बोली, द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विद फ्यूनिकल, जिस रीजन से फ्यूज होते हैं इसे बोलते हैं हाइलम। दस इस प्रकार हाइलम रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन, किसके किसके बीच में, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल के बीच में जो जंक्शन होता है, जो जंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइलम। ईच ओव्यूल्स हैज वन या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं जिसे इंटेगूमेंट्स कहा जाता है, इंटेगूमेंट्स इन सर्कल, वो कवर करता है किसको न्यूसिलस को, एक्सेप्ट कहां पर टिप पे कवरिंग नहीं थी जिसे वेयर स्मॉल ओपनिंग, जहां स्मॉल ओपनिंग था जिसे माइक्रो पाइल बोला गया था, अपोजिट ऑफ माइक्रो पाइलर एंड चैलेजा होता है जिसे बोलते हैं चैलेजल एंड, रिप्रेजेंटिंग बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, इनक्लोज्ड विद इन इंटेगूमेंट, इनक्लोज्ड विद इन द इंटेगूमेंट, जो इंटेगूमेंट के अंदर इनक्लोज है इज अ मास ऑफ सेल जिसे क्या बोल रहे हैं न्यूसिलस, और सेल ऑफ द न्यूसिलस हैव एवेंडेंट रिजर्व फूड, इसके पास क्या होता है रिजर्व फूड मटीरियल होता है, लोकेटेड इन द न्यूसिलस, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, लोकेटेड इन द न्यूसिलस इज द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक जो होता है वो कहाँ न्यूसिलस में लोकेटेड होता है जिसे बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट। ओव्यूल जो होता है जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक
फॉर्म्ड, एक ओव्यूल में केवल एक एम्ब्रियो सैक बनता है, और वो एम्ब्रियो सैक कहां से बनता है, मेगा स्पोर से। और सुनो, मेगा स्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेगा स्पोर का बनना, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, कहां से, मेगा स्पोर मदर सेल से, किस प्रोसेस द्वारा, मियोसिस द्वारा, इसे बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगा स्पोर, ओब्यूल जो होता है उसमें जनरली एक कितने मेगा स्पोर सेल डिफरेंशिएट होते हैं, सिंगल मेगा स्पोर सेल डिफरेंशिएट होते हैं इन माइक्रोपाइलर रीजन, किस रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन में वो क्या होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। माइक्रोपाइलर रीजन मतलब ये रीजन में क्या होते हैं, ये डिफरेंशिएट होते हैं ऑफ द न्यूसिलस, न्यूसिलस का एक सेल जो मेगा स्पोर मदर सेल बनाता है उसी में। और ये कैसे पहचानेंगे कि वो मेगा स्पोर मदर सेल है, इट इज लार्ज सेल, ये लार्ज सेल होगा कंटेनिंग, उसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। द एमएमसी अंडरगो, मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा उसमें। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस, भैया ये अगर ना होता तो मियोसिस होके मेगा स्पोर ना बनता। तो देखो, मियोसिस इज द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेगा स्पोर, मेगा स्पोर का मेगा मियोसिस जो है वो रिजल्ट है किसका, मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होने का। देखो अब यहाँ पर जल्दी से हम बात कर लेते हैं, देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये जो है चैलेंजर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूसिलस के कुछ सेल मॉडिफाइड होते हैं, मेगा स्पोर मदर सेल बनाते हैं। मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है, अब इसको अगर जूम किया जाए तो मेगा स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस फर्स्ट, क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, और बनेंगे दो सेल, कितने सेल बनेंगे, दो सेल, जिसे बोलेंगे मेगा स्पोर डायड। अब इसमें होगा मियोसिस सेकेंड, क्या होगा, मियोसिस सेकेंड, कितने सेल बनेंगे, एक दो तीन चार, तो इसे बोलेंगे मेगा स्पोर टेट्राड। ऊपर के तीन सेल डीजेनरेट हो जाते हैं, केवल एक फंक्शनल रहता है, तो एक मियोसिस कंप्लीट हो चुकी है, एक मियोसिस कंप्लीट होने पर चार मेगा स्पोर बना, तीन डीजेनरेट हो गया। अब एक मेगा स्पोर जो फंक्शनल है उसमें होता है माइटोसिस, क्या होता है, माइटोसिस, पहला माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस केवल होता है, कैरियोकाइनेसिस में देखो दो न्यूक्लियस बना, दूसरा माइटोसिस हुआ चार न्यूक्लियस बना, और फिर तीसरा माइटोसिस हुआ आठ न्यूक्लियस बने। अब होगा इसमें साइटोकाइनेसिस, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अब देखो छह सेल के चारों तरफ सेल वॉल हो गया, देखो यहाँ साइटोकाइनेसिस, पहले ऊपर साइटोकाइनेसिस कराया है, फिर देखो नीचे साइटोकाइनेसिस कराया, अब यहाँ फाइनल रिजल्ट जो निकल कर आया। अब इसको देखो, अभी तक ये माइक्रोपाइलर एंड था, अब इसको घुमा दो, ये चैलेंजर एंड हो गया, ये माइक्रोपाइलर, इसको क्या कर दिया गया, थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया गया, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। देखो ऊपर वाले क्या है, तीन क्या है, एंटीपोडल सेल, और नीचे दो हैं, ये क्या है, आगे की तरफ सिनर्जिड, और ये पीछे की तरफ जो एक दिख रहा है एग सेल, इसे बोलते हैं एग एपरेटस, क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। और यहाँ पर सेलुलर थिकनिंग दिया हुआ है, जिसे बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस, क्या बोला जाता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। चलो इस पर अपनी बात हो गई, तो चलो ये कितने कितने सेल बने, एक दो तीन चार पाँच छः, और एक बड़ा वाला सेल सात सेल, और न्यूक्लियस कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ मतलब आठ, आठ न्यूक्लियस, सेवन सेल्ड एट न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का पाया जाना खास फीचर है एंजियोस्पर्म का, किसका खास फीचर है, एंजियोस्पर्म का। अब देखते हैं फीमेल गैमिटोफाइट, क्या देखते हैं, फीमेल गैमिटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है। देखो इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल, केवल एक मेगा स्पोर फंक्शनल रहता है, वाइल अदर थ्री डीजेनरेट हो जाते हैं, ओनली द फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इंटू फीमेल गैमिटोफाइट, या इसे क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगा स्पोर से बन रहा है, इसलिए इसे बोल रहे हैं मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट, क्या बोल रहे हैं, मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस की प्लॉयडी क्या होगी भैया, 2n हो गए, एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल 2n, अब यहाँ मियोसिस हो गया, अब फंक्शनल मेगा स्पोर का क्या होगा n, और फीमेल गैमिटोफाइट का क्या होगा n प्लॉयडी होगा ना। चलो आगे बढ़ाते हैं बात को, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक, लेट अस स्टडी और स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन लिटिल मोर, थोड़ा डिटेल में। द न्यू, हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं लेकिन रीड कर लेते हैं, द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगा स्पोर डिवाइड माइटोटिकली, डिवाइड करेगा तो बताओ दो न्यूक्लियस बनेगा विथ, अब दो न्यूक्लियस बनेगा, अब ये क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, विच मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द टू न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक, दो न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनेगा, टू मोर सिक्वेंशियल, अब दो सिक्वेंस में एक फिर दो,
मतलब एक तो पहले हो चुका है, अब दो और सीक्वेंस में माइटोटिक डिवीजन होगा, सीक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्ट होगा। क्या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? फॉर्मेशन ऑफ, जब दूसरा डिवीजन होगा फोर न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगा, और तीसरा होगा तो आठ न्यूक्लिएट वाला स्टेज आएगा ऑफ एम्ब्रियो सैक। इट इज इंटरेस्ट टू नोट दैट, ये बहुत इंटरेस्ट की बात है नोट करना, दीज माइटोटिक डिवीजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर मतलब ऐसा माइटोटिक डिवीजन, सुनो फ्री न्यूक्लियर क्यों बोला गया है, देखो फ्री न्यूक्लियर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो माइटोटिक डिवीजन है, ये जो माइटोटिक डिवीजन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस डिवीजन को क्या बोलेंगे, इस डिवीजन को बोलेंगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलेंगे भैया? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलेंगे ना। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, और चलो इतना ठीक रहेगा ना। देखना भैया, फ्री स्ट्रिक्टली ये कैसे हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, दैट इज न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन नॉट फॉलोड इमीडिएटली, तुरंत नहीं फॉलो किया जाता किसके द्वारा, सेल वॉल फॉर्मेशन मतलब साइटोकाइनेसिस, आफ्टर एट न्यूक्लिएटेड स्टेज, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज के बाद सेल वॉल लेड डाउन, सेल वॉल डाल दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, लीडिंग टू अब ऑर्गेनाइजेशन इसका जो होगा टिपिकल फीमेल गैमिटोफाइट का, एम्ब्रियो सैक का। इधर देखना, ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल, अगर हम ऑब्जर्व करें डिस्ट्रीब्यूशन किसका, सेल का, इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक, तो सिक्स ऑफ एट न्यूक्लियाई, एट न्यूक्लियस में से जो सिक्स न्यूक्लियस था सराउंडेड बाय सेल वॉल, वो सेल वॉल द्वारा सराउंडेड किया गया एंड ऑर्गेनाइज्ड हो गया इसमें सेल, एक सेल तो पहले से प्रेजेंट था, द रिमेनिंग टू न्यूक्लियाई कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, वो सिचुएटेड कहाँ है, पोलर न्यूक्लियाई, एग एपरेटस जो है, एग एपरेटस जो है उसके नीचे, अब कुछ लोग को ये बात डाइजेस्ट नहीं होती उसके नीचे कैसे, तो भैया ये डायग्राम प्लट दो ना, तो एग एपरेटस ऊपर चला जाएगा, उसके नीचे क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। अब इस जिस सेल में ये अरेंज होते हैं उसे बोलते हैं सेंट्रल सेल। देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल, कह रहा है देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक, थ्री ऑफ सेल अरेंज, थ्री ऑफ सेल ग्रुप्ड टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जो तीन सेल का ग्रुप होता है वो बनाता है एग एपरेटस। क्या बनाता है भैया? एग एपरेटस बनाता है ना, एग एपरेटस, चलो एग एपरेटस बनाता है। अब जो एग एपरेटस जो होता है, द एग एपरेटस इज, द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ कितने कितने सिनर्जिड, देखो एक मिनट, कुछ दिखाना तो नहीं था, ये मोनोकार्पस देखो फ्री है, ये दिखा दिया था हमने, फिर चलो अभी ये टॉपिक तो बाद में आएगा। अगर हम बात करते हैं, देखो किस पे बात करते हैं, द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ दो सिनर्जिट, कितने सिनर्जिट होते हैं, दो सिनर्जिट एंड एग, एक एग सेल होता है, क्या होता है भैया, एक एग सेल होता है उसमें ना, चलो मतलब एक एग एपरेटस में दो सिनर्जिट होते हैं, एक एग सेल होता है, द सिनर्जिट हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, सिनर्जिट जो होता है उसके पास एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होता है जो एट द माइक्रोपाइलर एंड, जिसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है, इसका काम क्या है, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग, क्या गाइड करता है, पॉलन ट्यूब इंटू सिनर्जिट, सिनर्जिट में पॉलन ट्यूब की एंट्री कराता है उसको, इसके एंट्री को गाइड करता है, थ्री सेल एट द चैलेजल एंड, अब चैलेजल एंड की तरफ जो थ्री सेल होते हैं उसे एटम देख लो ऊपर जाके एंटीपोडल सेल बोलते हैं, द लार्ज सेंट्रल सेल, अब बचा लास्ट वाला सेल, तीन तीन हो गया छह, सेवन सेल्ड है ना, लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन, जो मेंशन किया गया, हैज टू पोलर न्यूक्लियाई, दस इस प्रकार जो टिपिकल अरेंजमेंट है एम्ब्रियो सैक का एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पर वो कितना है, एट न्यूक्लिएटेड है, सेवन सेल्ड है जिनका अरेंजमेंट है थ्री प्लस टू प्लस टू, तीन न्यूक्लियस ऊपर दो न्यूक्लियस बीच में, तीन न्यूक्लियस नीचे। चलो अब बात करते हैं, देखो पॉलिनेशन, किस पे बात करते हैं, पॉलिनेशन, इन प्रीसीडिंग सेक्शन, पहले वाले सेक्शन में यू हैव लर्न, तुमने पढ़ा है दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट,
मेल और फीमेल गैमेट जो होता है फ्लावरिंग प्लांट में आर प्रोड्यूस, उसे प्रोड्यूस किया जाता है मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन में, फीमेल गैमेट को एम्ब्रियो सैक में रेस्पेक्टिवली। देखो एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट, दोनों टाइप ऑफ गैमेट जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, दे हैव टू बी ब्रॉट टूगेदर, इन्हें एक साथ लाना है किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। हाउ दिस इज अचीव्ड, इसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म, पॉलिनेशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पॉलिनेशन एक मैकेनिज्म होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर सेड फ्रॉम एंथर, जो एंथर से निकला है, गिरा है, टू स्टिग्मा, एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन का गिरना, इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व, इसके अंदर विकसित होता है अमेजिंग, चौंकाने वाले बहुत सारे एडॉप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन, ताकि वो प्लांट जो होता है अपने अंदर कई सारे एडॉप्टेशन कर सकता है, करता है, ताकि उसके पास उसको क्या हो सके, पॉलिनेशन उसमें हो सके। दे मेक यूज एक्सटर्नल एजेंट, अब इन्हें एक्सटर्नल इस पॉलिनेशन को कराने के लिए यहाँ एक एजेंट की जरूरत पड़ेगी जिसे बोलेंगे पॉलिनेटर। दे मेक यूज, इन्हें यूज करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, ताकि वो पॉलिनेशन को अचीव कर सकें। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, अभी पढ़ेंगे एक एक करके, अभी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। काइंड ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं, देखो डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ पॉलन, कि वो पॉलन कहाँ से आ रहा है, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइड इंटू थ्री टाइप में, एक होता है ऑटोगैमी, दूसरा होता है जिटनोगैमी, तीसरा होता है जीनोगैमी। देखो तो अगर हम बात करें, अगर पहले देख लो, एक बात कर लें, अगर सेम फ्लावर का यहाँ हम एक कलर ले लें, चलो अगर सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए तो उसे बोलते हैं क्या, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी अगर डिफरेंट फ्लावर का इस पॉलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरे लेकिन प्लांट सेम हो तो उसे बोलते हैं जिटनोगैमी। और अगर दो प्लांट के बीच में एक प्लांट का पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिरे तो उसे बोलते हैं जीनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीनोगैमी। तो यही लिखा है ये सब बातें। ऑटोगैमी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इन दिस टाइप, इस टाइप में क्या होता है, इस टाइप में पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन सेम फ्लावर। देखो यहां कह रहा है सेम फ्लावर में हो रहा है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, एंथर से स्टिग्मा पर ऑफ सेम फ्लावर के बीच में हो रहा है ना। इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन, जो खुला हुआ है, एंड एक्सपोज, जो उसका एंथर एक्सपोज है एंड स्टिग्मा एक्सपोज है, कंप्लीट ऑटोगैमी होना। कह रहा एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज है उसमें कंप्लीट ऑटोगैमी होना रेदर रेयर, बहुत रेयर कंडीशन है। ऑटोगैमी होने के लिए, ओपन फ्लावर में ऑटोगैमी होने के लिए कुछ कंडीशन है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर, पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सिंक्रोनी होनी चाहिए, तालमेल होना चाहिए किसके बीच में, पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, कि जैसे ही पॉलन यहां से पॉलन रिलीज हुआ इससे स्टिग्मा अपना रिसेप्टर बनाकर तैयार है, ये होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए कि स्टिग्मा का रिसेप्टर बना तभी पॉलन ग्रेन रिलीज हो। एंड ऑल्सो क्या होना चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी एक्सपोज्ड, ये क्या होने चाहिए, एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी क्लोज्ड, क्या होने चाहिए, क्लोज्ड होने चाहिए, आपस में पास पास होना चाहिए, ऐसा नहीं एंथर अलग और स्टिग्मा अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी तो ऑटोगैमी होगा। अब देखना, ओपन फ्लावर की बात कर रहा है जिसमें मेल भी हो फीमेल भी हो, अब देखना क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास होना चाहिए, डैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। सेल्फ पॉलिनेशन पहले दो को, ऑटोगैमी को जिटनोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, अगर सेम प्लांट में पॉलिनेशन हो रहा तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर दो प्लांट के बीच में हो रहा क्रॉस पॉलिनेशन। सम प्लांट सच है, जैसे वियोला हो गया जिसे कॉमन पैंसी बोलते हैं, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर, कितने टाइप ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, दो टाइप, एक होता है कैस्मोगैमस जो ओपन फ्लावर होता है, विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड, जो जिसमें एक्सपोज्ड स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज होता है, मतलब ओपन होता है फ्लावर, और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमी फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, जो कभी ओपन ही नहीं होता। इन सच फ्लावर में, इस क्लिस्टोगैमी में
एंथर एंड स्टिग्मा एक दूसरे के, जैसे ये फ्लावर भैया अगर क्लोज है, स्टिग्मा और एंथर आपस में क्लोज है, एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज, एक दूसरे से क्लोज है. व्हेन एंथर डेहिसेंस, जब एंथर डेहिसेंस, डेहिस मतलब जब फटेगा, डेहिसेंस होगा उसमें, इन द फ्लावर बर्ड, फ्लावर बर्ड जब ये बर्ड के फॉर्म में होगा, पॉलन ग्रेन कम्स इन कॉन्टैक्ट, किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और इफेक्ट पॉलिनेशन हो जाएगा. अब देखो दस, इस प्रकार इसको बोलेंगे क्लिस्टोगैमी. इस प्रकार जो क्लिस्टोगैमी होता है, इस प्रकार क्लिस्टोगैमी जो होता है फ्लावर, इनवेरिएबली मतलब बिना किसी शक के वो ऑटोगैमस होता है. एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, का कोई चांस नहीं है क्योंकि फ्लावर क्लोज है तो बाहर से कोई आ नहीं सकता. एंड लैंडिंग क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता. क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होता है प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस सीड, सीड एश्योर्ड मतलब पक्का करता है सीड सेट को, सीड सेट मतलब सीड का बनना, इवन इन द ऑब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, इसमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं होती. तो कह रहा है डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो डैट क्लिस्टोगैमी इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज, बताओ. ये तो क्वेश्चन पूछ लिया था नीट में, हाँ डिसएडवांटेज पूछा था कि बताओ क्लिस्टोगैमी का, नीट 2022 अभी का, तो ये डिसएडवांटेज पूछा था क्या, कहा बताओ डिसएडवांटेज क्या है, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था. तो इसका डिसएडवांटेज है भैया कि इसमें नो चांस फॉर क्रॉसिंग ओवर का कोई चांस नहीं है. और एडवांटेज है कि इसका फायदा क्या है कि इसमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है. चलो अब बात को आगे बढ़ाते हैं. देखो ये कैस्मोगैमस ओपन फ्लावर है और देखो नीचे की तरफ क्या है, क्लिस्टोगैमस क्लोज फ्लावर है. देखो अब उसके बाद जिटनोगैमी की बात कर रहा है. जिटनोगैमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है, ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे बात हो रही, मतलब प्लांट सेम है. ऑल द जिटनोगैमी इज फंक्शनली, देखो ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन की तरह लग रहे हैं क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं तो इसमें भी पॉलिनेशन एजेंट की जरूरत पड़ेगी. इन्वॉल्विंग अ पॉलिनेटिंग एजेंट, इनमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी और क्रॉस पॉलिनेशन में भी पड़ती है. इसलिए फंक्शनली ये जिटनोगैमी क्या लग रहा है, ये क्या लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन जैसे इसमें हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी. जेनेटिकली अगर देखा जाए तो प्लांट तो अभी भी सेम है तो जेनेटिक मटीरियल तो सेम ही होगा. तो जेनेटिकली अगर देखा जाए तो सिमिलर टू ऑटोगैमी, सिंस पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम, क्योंकि पॉलन ग्रेन कहाँ से आ रहा है, सेम प्लांट से आ रहा है. अब बात कर रहे हैं जीनोगैमी. जीनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा, ऑफ डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट की बात कर रहा है. दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये केवल इकलौता टाइप होता है पॉलिनेशन का, विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन के दौरान जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं क्योंकि दो प्लांट के बीच में हो रहा है. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, अब किस पे बात करते हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन. एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करते हैं, प्लांट यूज टू ए बायोटिक, पहला विंड हो गया, दूसरा वाटर हो गया, एंड वन बायोटिक, बायोटिक में क्या हो गया, एनिमल. एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन, पॉलिनेशन प्राप्त करने के लिए दो, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग. लिविंग में कौन है, एनिमल, नॉन लिविंग में कौन है, विंड और वाटर. मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज करते हैं बायोटिक एजेंट, किस लिए, पॉलिनेशन के लिए. ओनली स्मॉल प्रोपोर्शन, कुछ मात्रा में प्लांट ऐसे होते हैं जो यूज करते हैं एबायोटिक एजेंट. पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के कॉन्टेक्ट में आता है, ये इज अ चांस, ये बाई चांस चांस फैक्टर इन बोथ ऑटोगैमी एंड मतलब बोथ वो विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन. चाहे विंड के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, चाहे वाटर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना ये एक चांस होता है, ये एक बाई चांस है, बात है. टू कंपनसेट, कंपनसेट करने के लिए, देखो ये पानी में छोड़ दिया गया या हवा में निकाल दिया गया इसे. टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी, बड़ी अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी का कंपनसेट करने के लिए, भरपाई करने के लिए, देखो पॉलन ग्रेन जो होता है एंड लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन को देखते हुए द फ्लावर प्रोड्यूस एनॉर्मस मतलब बहुत ज्यादा
अमाउंट में पोलन बनाता है व्हेन कंपेयर्ड, अगर हम कंपेयर बात करें नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन, अगर ओव्यूल एक है तो भी पोलन ग्रेन बहुत सारे निकलते हैं क्योंकि ओव्यूल में फीमेल गैमिट एक फिक्स है, फीमेल गैमिट तो इधर उधर नहीं जा रही, लेकिन अगर पोलन ग्रेन आ रहा है तो काफ़ी वो जरूरी थोड़ी ना कि स्टिग्मा पर गिरें। चल ये बात हो गई अपनी, अब बात करते हैं, देखो इस पे बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें पॉलिनेशन विंड द्वारा, अगर बात करें विंड द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं विंड द्वारा जो, देखो पॉलिनेशन वाई विंड इज मोर कॉमन, ये एनिमोफिली बोलते हैं, इज मोर कॉमन किसमें, एमंग एबायोटिक पॉलिनेशन, कह रहा है एबायोटिक बहुत कम होता है, लेकिन एबायोटिक में दो टाइप के एबायोटिक हैं, एक है विंड द्वारा, एक है किसके द्वारा, एक है विंड द्वारा और एक है वाटर द्वारा। कह रहा विंड वाला जो होता है वो एबायोटिक में भी मोस्ट कॉमन होता है, एबायोटिक में विंड पॉलिनेशन रिक्वायर, इन्हें जरूरत होती है। देखो कुछ शर्त है विंड पॉलिनेशन होने के लिए, पोलन ग्रेन हल्का होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, देखो विंड पॉलिनेशन का पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए, एनिमल द्वारा कराया गया पॉलिनेशन स्टिकी होगा अभी बताएंगे, इंसेक्ट जब पॉलिनेशन कराएगा तब वहां बताएंगे, नॉन स्टिकी मतलब चिपके नहीं, अगर एंथर पे ये चिपका रह गया तो हवा चलेगी तो ये उड़ेगा नहीं सही से, सो डैट क्यों होना चाहिए नॉन स्टिकी, सो डैट ताकि ये क्या कर सकें, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड के करंट में आसानी से ये ट्रांसपोर्ट हो सकें, दे ऑफन, और दूसरा शर्त क्या है, अक्सर इनके पास जो एंथर है उसका हवा में एक्सपोज्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं छुपा हुआ हो, तो वेल एक्सपोज स्टेमेन होना चाहिए, सो डैट ताकि पोलन ग्रेन इजिली डिस्पर्ज हो सके विंड में जा सके, एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होना चाहिए बड़े होने चाहिए और फेदरी होना चाहिए, टू इजिली ट्रैप्ड ताकि वो आसानी से पकड़ सकें एयर में पाए जाने वाले पोलन ग्रेन। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर ऑफन अक्सर जो होता है, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, सिंगल ओव्यूल होता है किसमें, सिंगल ओव्यूल होता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर में, ऐसा देखा गया है जो फ्लावर विंड द्वारा पॉलिनेशन जिसमें हो रहा है, सिंगल ओव्यूल है इन ईच ओवरी, प्रत्येक ओवरी में, एंड न्यूमरस फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर को पैक्ड करके क्या बना दिया गया, इनफ्लोरेसेंस, फैमिलियर एग्जाम्पल, जो बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल कॉर्न कॉब का यहां पर दिया जाएगा, टेसल मतलब गुच्छे जो आप देख रहे हैं यहां पर यू सी नथिंग, कुछ नहीं है, ये स्टिग्मा और स्टाइल है, विच वेव जो विंड में क्या कर रहा है, वेव मतलब झूम रहा है, टू ट्रैप पोलन ग्रेन, ताकि पोलन ग्रेन को क्या कर सके, ट्रैप कर सके, विंड पॉलिनेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया, मोस्ट कॉमन किसमें है, ग्रासेस में, ये देखो ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, सोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, इसमें जो स्टेमेन है वेल एक्सपोज्ड हवा के कॉन्टैक्ट में है, पॉलिनेशन बाई वाटर, अब वाटर द्वारा अगर पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन बाई वाटर क्वाइट रेयर, ये रेयर होता है इन फ्लावरिंग प्लांट में, एंड लिमिटेड टू, ये कितने जनरा तक लिमिटेड होता है, 30 जनरा, मोस्टली मोनोकॉटिलेडन होते हैं जो 30 जीनस हैं, एज अगेंस्ट इसके अलावा अगर बात किया जाए, वुड यू रिकॉल डैट वाटर इज रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, वाटर जो होता है रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, फॉर मेल गैमिट एमंग, किसमें भैया, अगर बात किया जाए किसमें, ये बात कर रहा है लोअर प्लांट, जैसे क्या हो गया ग्रुप ऑफ लोअर प्लांट ग्रुप सच एज एल्गी हो गया, ब्रायो हो गया, टेरिडो हो गया, इट इज बिलीव्ड, ये माना जाता है पर्टिकुलरली किसके लिए, फॉर सम ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट डैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, क्योंकि इनको जरूरत है वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए, मेल गैमिट के ट्रांसपोर्ट के लिए एंड फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत है, तो जहां जहां पानी जाएगा वहीं मेल गैमिट जाएगा, वहीं फर्टिलाइजेशन होगा, वहीं प्लांट होगा, तो पानी पे डिपेंड है, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लिमिटेड है। सम, अब कह रहा कुछ एग्जांपल होते हैं वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के, और जैसे वेलिसनेरिया हो गया, हाइड्रिला हो गया, विच ग्रो इन, जो ग्रो करते हैं फ्रेश वाटर में, सेवरल मैरीन सी ग्रासेस हो गया, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ जोस्टेरा, अब यहाँ एक लाइन जो पूछा गया ये नीट में पूछा गया है, नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट, पानी में पाए जाने वाले सभी प्लांट नहीं यूज करते वाटर का फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करने के लिए पानी में, जो प्लांट पानी में पाया जा रहा, ऐसा नहीं कि वो
पानी का ही यूज करें पॉलिनेशन के लिए। इन मेजॉरिटी ऑफ द एक्वाटिक प्लांट, जो मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट होते हैं सच एज, जैसे कि वाटर हायसिंथ हो गया, वाटर क्या हो गया, हायसिंथ हो गया, वाटर लिली हो गया, द फ्लावर इमर्ज्ड अबव द लेवल ऑफ, वो वाटर जो होता वाटर के लेवल, इनका फ्लावर जो होता वाटर के लेवल के ऊपर होता है, एंड पॉलीनेटेड बाई, तो इसमें पॉलीनेशन अब वाटर द्वारा तो हो नहीं पाएगा, तो किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंसेक्ट और विंड अब इसमें पॉलीने, हालांकि ये प्लांट एक्वाटिक है लेकिन इसका फ्लावर पानी के लेवल के ऊपर है, तो इसमें पॉलीनेशन किसके द्वारा होगा, इसमें पॉलीनेशन द्वारा पॉलीनेशन होगा वाटर, इंसेक्ट और विंड द्वारा होगा, एज इन मोस्ट लैंड प्लांट, जैसा कि मोस्ट लैंड प्लांट में होता है। इन वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर रीच टू, इसको पहले दिखाना पड़ेगा। देखो भैया, अगर हम बात करें वेलिसनेरिया, देखो यहाँ पर हमने दिखाया है, ये है वाटर हायसिंथ जो आइकॉर्निया तालाब में लगे होते हैं, जलकुंभी, तो देखो फ्लावर जो है वो ऊपर वाटर लेवल पे ऊपर है, तो वाटर ऐसे भाई वाटर द्वारा पॉलिनेशन अब इसमें नहीं हो पाएगा, तो इंसेक्ट और विंड द्वारा होगा, ये बात अपनी हो गई। देखो ये है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में ये है मेल फ्लावर, क्या है, फीमेल मेल फ्लावर, और देखो फीमेल प्लांट में जो फीमेल फ्लावर है वो एक स्टॉक के माध्यम से सरफेस पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया है, सरफेस पे पहुंच गया है, तो इसी की बात कर रहा है। देखो यहां पर देखो, हाँ, इन वेलिसनेरिया फीमेल फ्लावर रीच टू द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे पहुंच जाते हैं, किस किसके द्वारा, बाय द लॉन्ग स्टॉक, लंबे एक डंडे द्वारा, एंड मेल फ्लावर एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज, मेल फ्लावर जो होता है, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, मेल हो सकता है पूरा फ्लावर रिलीज कर दिया जाए, हो सकता है फ्लावर से पॉलन ग्रेन रिलीज किया जाए, तो इस बात को आराम से सुनना, मेल फ्लावर या पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया जाएगा ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे। अब देखो दे आर कैरीड पैसिबली, अब ये जो होता है पॉलन ग्रेन, जैसे यहाँ पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया गया, अब ये पैसिवली किसके पास जाएंगे, पैसिवली मतलब जिसमें एनर्जी ना लगे, जिधर वाटर जा रहा है उधर ये जा रहे हैं, पैसिवली जाएंगे स्टिग्मा पर, तो पैसिवली बाई वाटर करंट द्वारा ये कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा पर, सम ऑफ देम कुछ एवेंचुअली अंततः पहुंच जाएंगे रीच ऑफ फीमेल फ्लावर, एंड फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट सच है सी ग्रास, दूसरा क्या होता है, सी ग्रास जो होता है, जो क्या होता है मैरीन, इसमें सी ग्रास में अब क्या होता है, देखो फीमेल इसमें क्या होता है, सी ग्रास में क्या होता है, मेल और फीमेल प्लांट और फ्लावर सब डूबे हुए हैं, देखो मेल क्या निकाल रहा है, पॉलन ग्रेन निकाल रहा है और ये फीमेल के पास जा रहा है, इसका पॉलन ग्रेन जो है वो देखने लायक है, लॉन्ग है और रिबन लाइक है, कैसा है, रिबन लाइक। चलो तो देख लेते हैं, फीमेल फ्लावर रिमेन, अब ये भी डूबे हुए हैं, सबमर्ज हैं किसमें, वाटर में, एंड द पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड, पॉलन ग्रेन को रिलीज किया जा रहा है इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर रिलीज किया जा रहा है, पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी सच स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज का लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है, एंड दे आर कैरीड पैसिवली, ये भी क्या होते हैं, पैसिवली फ्लोट करके कहाँ जाते हैं, फीमेल के पास जाते हैं, पैसिवली फ्लोट करते हैं इनसाइड द वाटर, सम ऑफ देम, अब इसमें से कुछ जो रिलीज हुए, सारे नहीं, कुछ पहुंच जाते हैं रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन हो जाता है, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज का जो पॉलन ग्रेन होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम बेटिंग, भीगने से उसे बचाया जाता है, उसके चारों तरफ कवरिंग चढ़ा के, उस कवरिंग का नाम होता है म्यूसिलेजनस कवरिंग। अब कह रहा है जो हमने पढ़ा, इन बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेशन पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, जो विंड और वाटर द्वारा पॉलिनेटेड फ्लावर हैं वो बहुत कलरफुल नहीं है, वो नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते, पूछो क्यों, क्योंकि उन्हें अब देखो ये सब किया जाता है इंसेक्ट या एनिमल को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन हो नहीं रहा, तो हमें इनको अट्रैक्ट करना नहीं है, तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं ना, ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वेलिसनेरिया के, उसके बाद देखो इसमें कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट यूज रेंज ऑफ एनिमल, अलग अलग एनिमल
का यूज करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह, जैसे इसमें बी हो गया, बटरफ्लाई हो गया, फ्लाइज हो गया, बीटल्स हो गए, वैस्ट हो गया, आंट हो गया, मॉथ हो गया, बर्ड हो गया, ये बर्ड में कौन, सन बर्ड हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, एंड बैट्स चमगादड़ हो गया, और कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट, ये बहुत कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है प्लांट के लिए। और एमंग द एनिमल, एनिमल में कह रहा है एनिमल में कौन सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराता है, इंसेक्ट, इंसेक्ट में भी कौन, बी, और इसीलिए बी को बोलते हैं डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ किसे बोला जाता है डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट, तो क्या होगा, बी होगा। डोमिनेंट मतलब सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन करा रहे हैं, बायोटिक मतलब जो लिविंग है और क्या करा रहे हैं, पॉलिनेशन करा रहे हैं। इवन लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सच एज लार्ज, इवन लार्जर एनिमल, जो बड़े बड़े एनिमल होते हैं वो भी पॉलिनेशन करा सकते हैं, जैसे प्राइमेट्स में लेमर्स हो गया, एर्बोरियल, एर्बोरियल रोडेंट्स मतलब होता है ट्री पर पाए जाने वाले, ट्री पर पाए जाने वाले एनिमल हो गए, मैमल्स हो गए। उसके बाद ट्री ड्वेलिंग मतलब वही ट्री पे पाए जाने वाले, इवन यहाँ तक कि रेप्टाइल्स जो होते हैं वो भी पॉलिनेशन कराते हैं, जैसे गेक्को लिजर्ड हो गया, गार्डन लिजर्ड हो गया, हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, ये भी देखा गया है पॉलिनेटर कराते हुए कुछ स्पीसीज में। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लिख दी यहाँ पर कि ऑफन, अक्सर ऐसा देखा गया है, ऑफन फ्लावर ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट, ऐसा प्लांट जिसमें पॉलिनेशन किसके द्वारा हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है एनिमल द्वारा, आर स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल, मतलब प्लांट जिसमें पॉलिनेशन एनिमल द्वारा हो रहा है वो पर्टिकुलर एनिमल से ही पॉलिनेशन के लिए अडॉप्ट हो जाते हैं, पर्टिकुलर की हमें जो पॉलिनेशन कराएगा वो एक कोई खास एनिमल होगा, वही पॉलिनेशन कराएगा ना। चलो ये देखो यहां पर जो डायग्राम दिया गया है, पॉलिनेशन बाय वाटर इन वैली सिनेरियो, ए वाला डायग्राम है, और यहां पर देखो इंसेक्ट क्या करा रहा है, पॉलिनेशन करा रहा है, वो वाला एग्जांपल है ना। चलो यहां पर अब इसको क्या करते हैं, चलो मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, जो इंसेक्ट ऐसा फ्लावर जिसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन करा रहा है वो लार्ज होते हैं। क्यों लार्ज होते हैं, क्योंकि इंसेक्ट को ऊपर से दिख जाए, कलरफुल होते हैं, फ्रैग्रेंट मतलब उनमें से महक आती है, मतलब अच्छी महक आती है, रिच इन नेक्टर, और उनमें फ्लावर का जूस होता है जिसे नेक्टर बोलते हैं। व्हेन द फ्लावर, अच्छा जब फ्लावर छोटे हों तब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्लावर, ये एक गुच्छा बना लेते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड, ग्रुप बना लेते हैं, इनटू इनफ्लोरेसेंस टू मेक देम कंस्पिक्यूअस, ताकि ये आसानी से स्पष्ट, कंस्पिक्यूअस मतलब साफ साफ दिख सकें इंसेक्ट को। एनिमल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय, एनिमल को अट्रैक्ट किया जाता है फ्लावर के द्वारा, या तो कलर द्वारा या तो भैया फ्रेग्रेंस, या तो इन दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, एनिमल को अट्रैक्ट किया जाता है। द फ्लावर पॉलिनेटेड बाई फ्लाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन फ्लाइज और बीटल्स द्वारा हो रहा है वो क्या सिक्रीट करते हैं, फाउल मतलब गंदे गंदे महक प्रोड्यूस करते हैं टू अट्रैक्ट दीज एनिमल, क्योंकि ये एनिमल गंदे महक को ही पसंद करते हैं, तो ये भी फ्लावर जो होते हैं गंदे महक को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। टू सस्टेन एनिमल विजिट, देखो एनिमल विजिट को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए कि एनिमल बार बार आए, टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर है प्रोवाइडेड, फ्लावर प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड्स, इनाम देता है टू एनिमल को, एनिमल को क्या देता है, इनाम देता है, ताकि आओ तुम हमारा काम कराओ पॉलिनेशन, हम तुम्हें कुछ खाने को दे रहे हैं। और ये क्या होता है, ये रिवॉर्ड जो होता है नेक्टर भी हो सकता है और पॉलन ग्रेन ऑफ यूजुअल फ्लावर रिवॉर्ड, यही दोनों यूजुअल फ्लावर रिवॉर्ड होते हैं और सारे रिवॉर्ड भी होते हैं। फॉर हार्वेस्टिंग रिवॉर्ड, ये इस रिवॉर्ड को हार्वेस्ट करने के लिए, लेने के लिए, फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से एनिमल विजिट, एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ एंथर, अब इस फ्लावर से नेक्टर या पॉलन ग्रेन लेने के लिए एनिमल विजिट करता है फ्लावर, फ्लावर में क्या करता है, विजिट करता है, और जब फ्लावर में विजिट करता है वो तो वो कॉन्टेक्ट में आता एंथर के एंड स्टिग्मा, अब एंथर के कॉन्टेक्ट में आया, एंथर फटा, इसकी बॉडी में कोटिंग हो गई, एंथर चिपक गए, क्या हो गए, एंथर चिपक गए, तो बॉडी ऑफ एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की कोटिंग हो गई, विच आर
जनरली स्टिकी। अब देखो एनिमल द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है, एनिमल द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो बताओ उसका पॉलन ग्रेन क्या है, स्टिकी है। विंड द्वारा पॉलिनेशन जो हो रहा था उसका पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन कैसा था, नॉन स्टिकी था। इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर व्हेन द एनिमल कैरिंग पॉलन, जब एक बार एनिमल के पास पॉलन ग्रेन, एनिमल के बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक गया, ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टैक्ट, अब दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आएंगे और वहां अपना पॉलन ग्रेन छोड़ देंगे, तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे गिरना ही क्या बोलते हैं उसे, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। इन सम स्पीसीज ऑफ फ्लोरल, कुछ स्पीसीज जो होते हैं जिनमें फ्लोरल रिवॉर्ड जो होता है आर प्रोवाइडिंग, वो फ्लोरल रिवॉर्ड ना तो नेक्टर होता है ना तो पॉलन ग्रेन होता है, प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस प्रोवाइड करना टू ले एग, अंडे देने के लिए किसी भी एनिमल को। एन एग्जाम्पल, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे टॉलेस्ट फ्लावर जो होता है एमार्फोफिलस, ये फ्लावर जो होता है 6 फिट का होता है हाइट में, ये जो होता है इसका वेस्प इंसेक्ट होता है, उसके साथ क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उसमें फ्लोरल रिवार्ड के तौर पे उसे एमार्फोफिलस के ओवरी में ये क्या करता है अपने अंडे देता है कौन, वैस, और इसके बदले में देखो वो पॉलन ग्रेन भी छोड़ देता है, उसका अंडा भी वहाँ चला जाता है, अंडा फटेगा, लार्वा निकलेगा और उसको खाना भी मिलेगा ओवरी में, तो दोनों का फायदा है। सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट, ये सिमिलर रिलेशन जो होता है एग्जिस्ट करता है स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड प्लांट ऑफ यक्का प्लांट और मॉथ स्पीसीज के बीच में, वेयर बोथ स्पीसीज मॉथ एंड, जहां पर दोनों स्पीसीज जो होते हैं मॉथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना अपने लाइफ साइकिल को क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे यहां देखो एक प्लांट है जिसमें ये इंसेक्ट क्या है, ये अपने अंडे दे रहा है, देखो यहां पर अंडा दिखाया गया, अंडे दे रहा है, देखो अंडे दे दिया, अब क्या होगा ये उड़ जाएगा, इसके बॉडी पे कोटेड होगा पॉलन ग्रेन, तो यहाँ पॉलन ग्रेन भी आ गया। प्लांट का फायदा पॉलिनेशन, इनका फायदा इनको सेफ प्लेस मिल गया, तो ये किसी रिवार्ड से कम नहीं है। ये है एमार्फोफिलस क्या है फ्लावर जो 6 फिट का है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर कुछ पूछा गया हमसे, देखो कह रहा है द मॉथ क्या करता है, डिपोजिट एग, अपने एग को इकट्ठा करता है लोक्यूल्स ऑफ ओवरी के अंदर द फ्लावर इन टर्न, अब इसके बदले में गेट्स पॉलिनेटेड, फ्लावर क्या हुआ पॉलिनेटेड हो गया मॉथ द्वारा, द लार्वा ऑफ मॉथ कम आउट एग से बाहर निकलेगा एज सीड स्टार्टिंग डेवलप, जब सीड स्टार्ट हो जाएगा डेवलप होना। व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व, देखो इसमें से कुछ बातें देखें कौन सी बातें हैं जो बोलने लायक है। देखो भैया जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, व्हाई डोंट यू ऑब्जर्व, क्यों तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, क्या करते हो, सम फ्लावर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट के या एनी अदर अवेलेबल टू यू जो आपके पास हो उसको क्यों नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो, पता नहीं क्यों। ककंबर मैंगो पीपल कोरिएंडर पपाया ऑनियन लोबिया कॉटन टोबैको रोज लेमन यूकेलिप्टिस बनाना, कह रहा क्यों नहीं तुम जा रहे हो इन प्लांट के पास, ट्राई करो फाइंड आउट करने की विच एनिमल विजिट देम, कौन सा एनिमल इसके पास आ रहा है, वेदर दे कुड बी पॉलिनेटर, क्या वो पॉलिनेटर है जो एनिमल आ रहा है, पता नहीं कैसे पता करेंगे। यू विल हैव पेशेंसली ऑब्जर्व, तुम्हें पेशेंसली ऑब्जर्व करना होगा द फ्लावर ओवर फ्यू डेज, कुछ दिन तक एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे, एक दिन के अलग अलग टाइम पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यू कुड ऑल्सो फाइंड, तुम पाओगे टू सी, तुम्हें ये देखना है वेदर देयर इज एनी कोरिलेशन, क्या कोई रिश्ता है करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर एंड एनिमल डैट विजिटेड, क्या जो विजिट कर रहा है, हाँ भैया पॉलिनेशन करा सकता है वही रिश्ता हो सकता है, और कौन सा रिश्ता होगा, हो सकता है, हो जरूरी नहीं जो एनिमल जाए वो पॉलिनेशन ही कराए। केयरफुली ऑब्जर्व इफ एनी ऑफ विजिटर कम इन कॉन्टैक्ट विथ, किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंथर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है एंड स्टिग्मा एज ओनली सच विजिटर, एंथर ऑन स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आ रहा है एज ओनली विजिटर, क्या वो केवल वही विजिटर है, एज ओनली
विजिटर कम इन कॉन्टेक्ट विद एंथर एंड स्टिग्मा एज ओनली सच विजिटर कैन ब्रिंग, क्या वो पॉलिनेशन भी करा रहा है? मेनी इंसेक्ट, बहुत सारे इंसेक्ट, ये बात समझने वाली, ये यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम, वो कंज्यूम कर लेंगे पोलन और नेक्टर को विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। मतलब देखो, रिवॉर्ड भी ले लिए, पैसा भी ले लिए, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे सच फ्लोरल विजिटर, ऐसे फ्लोरल विजिटर को रेफर्ड किया जाता है, डकैत बोला जाता है। पोलन किसकी, पोलन पोलन या नेक्टर, नेक्टर क्या रॉबर बोल दो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आउटब्रीडिंग डिवाइस, देखो अगर हम बात करें तो, अगर हम इसको ऊपर ऊपर अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस करता है हर्माफ्रोडाइट। मतलब होता है यहां बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बाइसेक्सुअल, जिसमें एंथर और स्टिग्मा हो, बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड पॉलन ग्रेन आर लाइकली, ऐसा माना जाता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसी का पॉलन ग्रेन, इसी के स्टिग्मा पे गिर जाएगा। कम इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा और होगा सेल्फ पॉलिनेशन। और हमें जब पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन कॉन्टिन्यू होने से रिजल्ट आता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड फ्लावरिंग, और हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचना है। तो फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड फ्लावरिंग प्लांट को डेवलप करना होगा मेनी डिवाइस, बहुत सारे डिवाइस जो डिसकरेज करे, डिसकरेज मतलब प्रिवेंट करे सेल्फ पॉलिनेशन को, और इनकरेज करे, बढ़ावा दे किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। ऐसे डिवाइस डेवलप करना पड़ेगा इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में पॉलन रिलीज। अब देखो यहां डिवाइस फर्स्ट, इसका डिवाइस फर्स्ट नाम है डाइकोगैमी, नाम नहीं लिखा है लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं डाइकोगैमी। इन सम स्पीसीज क्या होता है, पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, तालमेल नहीं होता। कभी पॉलन पहले मैच्योर हो जा रहा है, स्टिग्मा नहीं आया, फिर स्टिग्मा आ गया तो पॉलन ग्रेन नहीं आया। देखो यहां पर क्या है, पॉलन ग्रेन पहले मैच्योर हो गया है, तो इसे बोलेंगे प्रोटोएंड्रस। प्रोटोएंड्रस मतलब होता है, प्रो मतलब पहले, एंड्रस मतलब एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम जो होता है पहले मैच्योर हो गया, मतलब पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया। देखो अभी स्टिग्मा पे रिसेप्टर नहीं आया है, यहां देखो अब स्टिग्मा पे रिसेप्टर बाद में आ रहा है। देखो जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, अब यहां पर क्या, स्टिग्मा पे रिसेप्टर आ गया है, मतलब पहले फीमेल मैच्योर हुआ, तो इसे बोलेंगे प्रोटोगाइनस। लेकिन अब देखो यहां पर स्टिग्मा पे रिसेप्टर खत्म, ये देखो पॉलन बाद में, पॉलन क्या हो रहा है, बाद में भैया रिलीज हो रहा है, तो इनमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, तो भैया सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो पहला डिवाइस ये है जिसे डाइकोगैमी बोलते हैं। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी नॉट सिंक्रोनाइज्ड, वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, तालमेल नहीं है आइदर। या तो हो सकता है पॉलन रिलीज बिफोर, पॉलन पहले रिलीज हो जाए, स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने से पहले रिलीज हो जाए, या दूसरा कंडीशन स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, स्टिग्मा पे रिसेप्टर आ गया है, रिसेप्टिव हो गया है मच बिफोर, बहुत पहले पॉलन रिलीज के बहुत पहले ही स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया है। इन सम अदर स्पीसीज, अब दूसरा डिवाइस यहां पर है, इसे बोलते हैं डाइकोगैमी। इन सम अदर स्पीसीज एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड डिफरेंट पोजिशन पे है। यहां देख लो, एंथर यहां पर है, स्टिग्मा यहां पर है, तो एंथर ऐसे उड़ के थोड़ी ना यहां पर जाएगा, तो डिफरेंट पोजीशन पे एंथर कह रहे हैं, पॉलन ग्रेन गिरेगा नीचे गिर जाएगा तो स्टिग्मा पर नहीं जाएगा, तो इसे बोलते हैं डाइकोगैमी। तो यहां भी सेल्फ पॉलिनेशन रुक गया। तो चलो ये है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड डिफरेंट पोजिशन सो डैट, इस प्रकार से ये डिफरेंट पोजिशन पे हैं, पॉलन कैन नॉट कम, पॉलन नहीं आएगा किसके कॉन्टैक्ट में, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। बोथ ऑफ दीज, दोनों डिवाइस जो हैं वो प्रिवेंट कर रहे हैं ऑटोगैमी को, जिटनोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर सकते, क्योंकि हो सकता है ऐसा हो जाए ये तैयार ना हो, मान लो ये पॉलन ग्रेन निकला यहां तो अभी ये तैयार नहीं है, या इसकी पोजीशन तो अलग है, दूसरा इसकी पोजीशन तो अलग है लेकिन ये यहां आकर गिर गया, बात को समझ रहे हो, तो दोनों फर्स्ट वाला और सेकंड वाला वो ऑटोगैमी को रोक सकता है। द थर्ड डिवाइस जो होता है उसे बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ मतलब
खुद सेल्फ पोलन इनकम्पैटिबिलिटी मतलब नो मैच, मतलब अगर खुद का पोलन आएगा तो उसे हम जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे। ये जेनेटिकल मैकेनिज्म है, दिस इज अ जेनेटिकल मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट, ताकि हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें सेल्फ पोलन फ्रॉम सेम फ्लावर, जो सेम फ्लावर से है या अदर फ्लावर से है लेकिन सेम प्लांट के अदर फ्लावर से है, तो वो भी जेनेटिक मटीरियल तो सेम होगा, फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल, फर्टिलाइजिंग ओव्यूल से रोक सकें। कैसे? बाय इनहिबिटिंग। अब इसका इसको हम जर्मिनेट ही नहीं होने देंगे, अगर जर्मिनेट भी हो जाएगा ना तो इसका पोलन ट्यूब नहीं बनने देंगे। बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन, या पोलन जर्मिनेशन अगर हो भी गया तो पोलन ट्यूब ग्रोथ इनटू पिस्टिल में ग्रोथ ही नहीं होने देंगे, इसको इनहिबिट कर देंगे। अब देखो ये तीसरी डिवाइस थी। और फोर्थ डिवाइस पर बात करते हैं, देखो अगर फोर्थ डिवाइस पर बात करते हैं, इसे बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी, कि प्लांट को बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करने चाहिए यूनिसेक्सुअल, अगर सेल्फ पॉलिनेशन से रुकना है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस करो। इफ अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और देखो ये एक फ्लावर है, दूसरा फ्लावर, ये मान लो तीसरा फ्लावर, तीन फ्लावर है, ये एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है ना, एक सेक्स ऑर्गन है, और दूसरा कंडीशन है ये एक, और तीसरा कंडीशन है तीन प्लांट हम बना दे रहे हैं यहां पर, बोलो देखो सब में यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल, यूनि 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 यूनि, लेकिन देखो इन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। अगर देखो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पे प्रेजेंट है तो ये मोनोइसियस प्लांट होगा, और देखो इस पे केवल मेल है, डाइसियस, डाइसियस, चलो सेम प्लांट पे हैं, सच एज जैसे कैस्टर हो गया, मेज हो गया, ये मोनोइसियस प्लांट होंगे। मोनोइसियस प्लांट जो यूनिसेक्सुअल वाले फ्लावर हैं इसमें, इट प्रिवेंट ऑटोगैमी, देखो ये ऑटोगैमी तो रोक पाएंगे, ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर में हो, और जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सेम फ्लावर में कहां से हो सकता है, लेकिन भैया ये एंथर से पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे गिर सकता है, तो दो फ्लावर के बीच में हो रहा सेम प्लांट, तो इसे बोलते हैं जिटनोगैमी। ये देखो तो ये डिवाइस ऑटोगैमी को तो रोक पाएगा लेकिन जिटनोगैमी को रोक नहीं पाएगा, लेकिन इन सेवरल स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज जैसे पपाया हो गया जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट है, इसमें मेल फ्लावर इसमें फीमेल फ्लावर, तो इसमें अब ऑटोगैमी भी नहीं होगा, सेम फ्लावर तक तो कोई वही नहीं है, बाइसेक्सुअल नहीं है, और केवल यूनिसेक्सुअल है, और मेल है तो कोई चांस नहीं है, मतलब जिटनोगैमी का भी चांस नहीं है। तो डिफरेंट प्लांट पे हैं फ्लावर, डैट ईच प्लांट आइदर या तो मेल है जिसे डायोसियस बोलेंगे। दिस कंडीशन प्रिवेंट, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ, इस कंडीशन में ऑटोगैमी भी रुक जाएगा और जिटनोगैमी भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इतनी बातें एकदम क्लियर है। चलो अब बात करते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, किस पे बात करते हैं भैया, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन पे बात करते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। चलो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, देखो पोलन पिस्टल अगर इंट्रैक्शन की बात करें, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं देता कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं राइट टाइप ऑफ पोलन जो कंपैटिबल हो, कंपैटिबल पोलन ऑफ सेम स्पीसीज का कंपैटिबल पोलन एज स्टिग्मा पर। ऑफन अक्सर जो होता है पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप का हो सकता है, रॉन्ग टाइप का कब होगा, आइदर अदर स्पीसीज या दूसरे स्पीसीज का हो, या और सेम प्लांट का हो लेकिन सेल्फ इनकम्पैटिबल हो, कंपैटिबल ना हो, ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा, ये भी स्टिग्मा पे लैंड करते हैं राइट के साथ। द पिस्टिल हैज एबिलिटी, पिस्टिल के पास क्षमता होती है टू रिकॉग्नाइज, ताकि उसे पहचान सके द पोलन वेदर इट इज ऑफ राइट टाइप, क्या वो राइट टाइप का है, कंपैटिबल वाला राइट टाइप का है, या रॉन्ग टाइप का है, इनकम्पैटिबल है। इफ इट इज राइट टाइप, यदि ये राइट टाइप का है तो पिस्टिल एक्सेप्ट करेगा पोलन को एंड प्रमोट करेगा, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को प्रमोट करेगा, डैट डैट लीड टू, अब पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में अब पहले क्या होगा, पोस्ट पॉलिनेशन हो गया, अब क्या होगा, फीमेल गैमेट से मिलेंगे मेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन होगा। इफ द पोलन इज
ऑफ रॉन्ग टाइप, यदि पॉलन रॉन्ग टाइप का है द पिस्टिल रिजेक्ट, उसे क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा पॉलन को बाय प्रिवेंटिंग, या तो पॉलन जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा। अगर पॉलन जर्मिनेशन हो जाएगा ऑन स्टिग्मा पर तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ स्टाइल में होने नहीं देगा। द एबिलिटी ऑफ पिस्टिल रिकग्निशन, पिस्टिल का रिकग्नाइज करने की एबिलिटी ऑफ पॉलन फॉलोड बाई, अब इसके अगर वो पहचान जा रहा है तो उसे एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, अगर राइट टाइप का है तो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्टेंस, क्या एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग, मतलब बातचीत हो रही है किसके किसके बीच में, बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल के बीच में, कि भैया तुम्हें हम एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाई केमिकल, ये जो हो रहा है वो किसके द्वारा मीडिएट किया जाता है, केमिकल, पॉलन ग्रेन और पिस्टिल में कुछ केमिकल होते हैं, दोनों आपस में इंट्रैक्ट करते हैं, अगर इनका इंट्रैक्शन फेवरेबल रहा तो एक्सेप्ट करेगा, नहीं फेवरेबल रहा तो रिजेक्ट कर देगा। चलो, तो दिस डायलॉग मीडिएटेड बाई केमिकल कंपोनेंट जो ऑफ पॉलन इंट्रैक्टिंग विद, जो किससे इंट्रैक्ट कर रहे हैं, पिस्टिल के केमिकल से इंट्रैक्ट कर रहे हैं। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर, रिसेंट ईयर में देखा गया है डैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू, सक्षम हुए टू आइडेंटिफाई सम पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट, कुछ पॉलन और पिस्टल कंपोनेंट एंड द उनमें इंट्रैक्शन लीडिंग टू, जो आगे चल के रिकग्नाइज करते हैं, फॉलोड बाई, जिसके द्वारा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है। क्या होता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है। एज मेंशन अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है, फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन जो होता है जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा टू प्रोड्यूस, किस लिए, ताकि वो पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस कर सकें थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर, इसमें ढेर सारे पॉलन ग्रेन में जर्म पोर पाया जाता है, लेकिन एक जर्म पोर से क्या निकलता है, पॉलन ट्यूब निकलता है। कंटेंट ऑफ पॉलन ट्यूब, अब जो भी कंटेंट था पॉलन का, वो जब पॉलन ट्यूब बन जाता है तो उसमें मूव कर दिया, उसमें छोड़ दिया जाता है। कंटेंट ऑफ पॉलन ट्यूब मूव इनटू, वो कहां मूव कर जाएगा, पॉलन ट्यूब मूव कर जाएगा कहां, पॉलन ट्यूब में, पॉलन ट्यूब। अब देखो ये क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये जैसे मान लो, ये यहां पर मान लो है फीमेल गैमेट, तो यहां पॉलन आया, यहां से पॉलन ट्यूब निकलेगा, पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रहा है, अब यहां से ये ओव्यूल में क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो देखो पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो किसके द्वारा, टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, यहां स्टिग्मा का टिश्यू है, यहां स्टाइल का टिश्यू है, स्टिग्मा एंड स्टाइल रीच द ओवरी, और कहां पहुंचेगा, ओवरी, जब ओवरी में पहुंचेगा, वुड यू रिकॉल, क्या तुम याद कर सकते हो डैट इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में पॉलन ग्रेन सेड किया गया था, छोड़ा गया था, टू सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन बाहर आ गया था, अब उसमें दो ही सेल हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव, अभी मेल गैमीट नहीं है, तो इन सच प्लांट, ऐसे प्लांट में जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा एंड दो मेल गैमीट बनाएगा, कब डिवाइड करेगा, जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ हो रहा होगा, तो यहीं पर डिवाइड करके दो मेल गैमीट बना देगा। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू स्टिग्मा इन प्लांट, प्लांट कब डिवाइड करेगा, जब ग्रोथ होगा पॉलन ट्यूब का स्टिग्मा में, इन प्लांट सेड, ऐसा प्लांट जिसमें पॉलन सेड हुआ है थ्री सेल्ड कंडीशन में, उसमें पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमीट, दो मेल गैमीट को कैरी कर रहे हैं फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से ही, क्योंकि उसमें दो मेल गैमीट शुरुआत से ही पाए गए थे थ्री सेल्ड स्टेज वाले में। पॉलन ट्यूब जो होता है आफ्टर रीचिंग ओवरी में पहुंचने के बाद, वो इंटर इनटू ओव्यूल्स थ्रू माइक्रोपाइलर एंड से इंटर करते हैं, देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड में जाते हैं, किसके द्वारा, फिलीफॉर्म एपरेटस द्वारा, एंड मेनी रिसेंट स्टडी कह रहे हैं हैव शोन दिखाए गए हैं डैट फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट हैं एट माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ सिनर्जिड गाइड कर रहे हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड। ऑल दीज इवेंट, ये जितने भी इवेंट हुए हैं कहां से लेकर, पॉलन जर्मिनेशन, ऑल दीज इवेंट पॉलन जर्मिनेशन से लेकर, जितने भी इवेंट हैं कहां से लेकर, पॉलन जर्मिनेशन से लेकर यहां ओवरी में जाने तक जितने भी इवेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कहां है, ऑल इवेंट, जितने भी इवेंट हैं, चलो यहां देखना, ऑल इवेंट, जितने भी इवेंट हैं फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, पॉलन के डिपोजिट होने से ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब, जब तक पॉलन ट्यूब इंटर ना कर जाए ओव्यूल्स में, और टुगेदर, इन सब को एक साथ मिला के बोला जाएगा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, एज पॉइंटेड आउट
अर्लियर, जैसा पहले की बताया गया है, पॉइंटेड किया मतलब बताया गया है, क्या बताया गया है, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन जो होता है इस डायनेमिक प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस होता है, क्यों, क्योंकि उनमें पॉलन रिकग्नाइज करता है और उसको प्रमोट करता है और इनहिबिट करता है द पॉलन को, अगर राइट टाइप वाले का है तो पॉलन को एक्सेप्ट करेगा, रॉन्ग टाइप वाले का है तो रिजेक्ट करेगा, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया, इस एरिया में वुड हेल्प प्लांट ब्रीडर, प्लांट जो ब्रीडिंग कराते हैं उनको मदद करेगा ताकि वो मैन्युपुलेट कर सकें, किस में छेड़छाड़ कर सकें, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन, जैसा जो अगर मान लो इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन आ गया, हमें जानकारी है इसके बारे में, तो प्लांट ब्रीडर को काफ़ी मदद करेगा टू गेट डिज़ायर हाइब्रिड, ताकि हम डिज़ायर हाइब्रिड को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, कैसे इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन ना होने दें, अगर ये कब पता चलेगा, जब हमें पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बारे में पता होगा। यू कैन ईजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन, आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं पॉलन जर्मिनेशन को बाय डस्टिंग सम पॉलन, कुछ पॉलन को लीजिए फ्लावर, जैसे पी के फ्लावर से ले लो, चिक पी और क्रोटिलेरिया से ले लो, बालसम बिंका प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन ले लो और उसे एक ग्लास स्लाइड पे रख दो और इस ग्लास स्लाइड में ड्रॉप ऑफ क्या है, ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन है, और ये शुगर सॉल्यूशन कितना है इसमें 10%, आफ्टर अब 15 से 30 मिनट बाद, आफ्टर 15 टू 30 मिनट ऑब्जर्व करो इस स्लाइड को अंडर लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में, इसको क्या कर लो, ऑब्जर्व कर लो, यू आर लाइकली टू सी, आप देखेंगे कि पॉलन ट्यूब कमिंग आउट, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब इसमें आ गए हैं। ये एक्सपेरिमेंट कराया जाता था स्कूलों में, अगर किया होगा तो पता होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, चलो देखना। एज यू शैल लर्न, जैसा कि तुमने पढ़ा होगा इन द चैप्टर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जैसा कि तुम पढ़ोगे प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर में, कि एक ब्रीडर इंटरेस्टेड होते हैं इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज, ऑफन अक्सर जेनरा, अलग अलग जेनरा को क्या कराने में, क्रॉस कराने में, टू कंबाइन, ताकि दो डिजायरेबल करेक्टर को कंबाइन किया जा सके। किस लिए दो डिजायरेबल करेक्टर को कंबाइन कर रहे हैं, टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटी, ताकि हम कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटी को प्रोड्यूस कर सकें, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। अब इसके लिए तरीका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच, एक मेजर अप्रोच है जिसमें हम क्राफ्ट का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट हमें जरूरत इज इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर, ये पक्का कर देना जरूरत है डैट ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज फॉर पॉलिनेशन, कि केवल डिजायर्ड पॉलिनेशन, जो हम पॉलिनेशन जिस प्लांट का चाहते हैं वही यूज करेंगे, और दूसरा जिस स्टिग्मा पर चाहते हैं पॉलन ग्रेन का डालना उसी स्टिग्मा पर डालेंगे, इसलिए उस स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करना है कंटामिनेशन से, मतलब अनवांटेड पॉलन, कोई भी पॉलन उस स्टिग्मा पर आकर गिर नहीं जाना चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाई, ये प्राप्त किया जाएगा एमस्कुलेशन और वैगिंग। देखो जैसे यहाँ पर हमने मान लो दो हमने प्लांट लिए जिनके करेक्टर को क्या करना है, कंबाइन करना है। अब एक को हम मान ले रहे हैं मेल और दूसरे को मान ले रहे हैं फीमेल, हैं तो बाइसेक्सुअल, तो कैसे मेल और फीमेल कहा जा रहा है, जिसका स्टिग्मा यूज करेंगे उसे फीमेल बोलेंगे, और जिसका जहां से पॉलन लेंगे उसे मेल कहेंगे। तो देखो अब हमें क्या करना था, दो प्लांट के करेक्टर को मिलाना था। इफ फीमेल प्लांट, यहाँ फीमेल प्लांट बाइसेक्सुअल है, तो इसको सबसे पहली बात यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें डर था कि कहीं इसका पॉलन ग्रेन इस पर ना गिर जाए, तो हमने इमेस्कुलेशन किया। इमेस्कुलेशन मतलब होता है कि हमने क्या किया, एंथर को हमने काट दिया। किसको काट दिया भैया, एंथर को हमने हटा दिया। देखो हटा दिया एंथर को, अब स्टिग्मा, पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ प्लांट, दो प्लांट का सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद एंथर को क्या कर देंगे, एंथर को काट देंगे, की प्रोसेस को एमस्कुलेशन बोलेंगे, उसके बाद इसको बैग से ढक देंगे, इसे बैगिंग बोलेंगे। अब जाएंगे पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे मेल से, पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करने के बाद इस बैग को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, इस बैग को
हटाएंगे, उसके बाद पॉलन ग्रेन इस पे पॉलन ग्रेन डाल देंगे। अब जब पॉलन ग्रेन इस पे लैंड करा देंगे तो बताओ क्या हुआ, पॉलिनेशन। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसकी वैगिंग कर देंगे ताकि कोई और बाहर से आके इससे पहले ना जर्मिनेट हो जाए, तो उसे रीबैगिंग बोलते हैं। हमने पूरी प्रोसेस पढ़ा दिया। अब देखो एक बार हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं भैया, मतलब पढ़ाने मतलब पूरा डिटेल नहीं, सिर्फ रीडिंग कराने आए, लेकिन थोड़ा सामने बता दिया। इफ फीमेल फ्लावर बाइसेक्सुअल है, अगर फीमेल पेरेंट जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे कहाँ से, फ्रॉम फ्लावर फ्लावर बर्ड बिफोर एंथर डेसेस, एंथर के फटने से पहले उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यूजिंग पेयर ऑफ फोर्सेप्स, मतलब होता है चिमटी, इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है। दिस स्टेप रेफर, इसे बोला जाता है इमेस्कुलेशन। अब इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है हैव टू बी कवर्ड, उसे कवर्ड करना है विद अ बैग, बैग के साथ सुइटेबल साइज जिसका हो, जनरली मेड अप ऑफ, वो बैग बने हो सकते हैं बटर पेपर के, पॉलीथीन ही हो सकता है, टू प्रिवेंट, ताकि कंटामिनेशन से हम स्टिग्मा को बचा सकें, विद अनवांटेड पॉलन, ताकि कोई बाहर से मतलब पॉलन आकर गिर ना जाए जिसे हम नहीं चाहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज, जिसे कहा जाता है वैगिंग। When the stigma bagged, जब स्टिग्मा को बैग कर दिया जाएगा, फ्लावर अटेन, अब फ्लावर रिसेप्टिविटी अटेन करेगा, एंड मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्टेड, मैच्योर पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करेंगे फ्रॉम एंथर, एंथर से, अब मेल पेरेंट एर और डस्टेड, डस्ट कर देंगे स्टिग्मा पर, एंड द फ्लावर रीबैग, फिर से रीबैगिंग कर देंगे, एंड फ्रूट और अलाउड टू डेवलप, और उसको अलाउ कर देंगे, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ओब्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, ओब्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में। चलो भैया ये हो गया आर्टिफिशियल। चलो यहाँ पर एक बात कहा गया है, इफ फीमेल प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब फीमेल प्लांट पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहां पर देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन, क्योंकि वहां पर मेल और फीमेल एक साथ नहीं है तो इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है। द फीमेल फ्लावर बर्ड आर वैग्ड, इसे बैग कर दिया जाएगा बिफोर फ्लावर ओपन, फ्लावर ओपन होने से पहले। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव, जब स्टिग्मा रिसेप्टर आ जाएंगे, पॉलिनेशन कैरिड बाई यूजिंग ऑफ डिजायर्ड पॉलिन का यूज करके हम पॉलिनेशन करा देंगे, फ्लावर को रीबैग कर देंगे। ये बात हो गई। चलो अब बात कर लेते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखो डबल फर्टिलाइजेशन, अब जो मेल गैमीट सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में जो दो मेल गैमीट गया था, आफ्टर एंटरिंग ऑफ वन ऑफ द सिनर्जिट पॉलन ट्यूब रिलीज, कितने मेल गैमीट, टू मेल गैमीट को रिलीज कर देगा इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिट के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देगा, वन मेल गैमीट वो मूव करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, और फ्यूज हो जाएगा इट्स न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाएगा, दस कंप्लीटिंग द सिनगैमी, वो सिनगैमी को कंप्लीट कर लेगा, एक फर्टिलाइजेशन हुआ सिनगैमी। अब ये दस रिजल्ट इसका क्या होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा डिप्लॉयड सेल जिसको बोलते हैं जाइगोट। द अदर मेल गैमीट जो होता है मूव टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाएंगे, एंड लोकेटेड, जो लोकेटेड है कहाँ, सेंट्रल सेल पे, और उससे फ्यूज हो जाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म, क्या प्रोड्यूस करेंगे, ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसे बोलेंगे PEN। एज दिस इन्वॉल्व, अब क्या होगा, दिस इज इन्वॉल्व थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन बोला जा रहा है, सिंस टू टाइप ऑफ फ्यूजन हो रहा है, एक को सिनगैमी बोल रहे हैं, दूसरे को ट्रिपल फ्यूजन, टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक में हो रहा है, दिस फिनोमेना इज डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन एक यूनिक इवेंट्स होता है फ्लावरिंग प्लांट में, द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो सेंट्रल सेल होता है विकम, वो क्या हो जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना लेता है और डेवलप्ड हो जाता है एंडोस्पर्म में, और जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो चलो ये देखना बड़ा आसान है, देखो यहां पर क्या कहा गया, डीजेनरेटिंग सिनर्जिट क्या कर रहा है भैया, डीजेनरेट कर रहा है। यहां पर देखो मेल और फीमेल फ्यूज होकर क्या बना दिया, जाइगोट। यहां पर इस पूरे सेल को क्या बोल रहे हैं, इस पूरे सेल को बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और इसमें जो न्यूक्लियस है उसे बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, जो 3N है क्योंकि 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियस है। और एंटीपोडल सेल क्या हो जाएगा, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होगा, एंडोस्पर्म बन रहा होगा, तो ये डीजनरेट हो जाएगा। देखो इससे हम जाइगोट अगर निकाल लेते हैं, इसमें कराएंगे क्या, इसमें हम कराते हैं जाइगोट है, जाइगोट में कराएंगे ट्रांसवर्स डिवीजन, और ये ट्रांसवर्स डिवीजन अनइक्वल होगा, एक लार्ज सेल बनेगा, दूसरा स्मॉल सेल बनेगा, स्मॉल सेल को बोलेंगे एम्ब्रियोनल सेल, इस स्टेज को बोल रहे हैं प्रो एम्ब्रियो, क्या बोल रहे हैं, प्रो एम्ब्रियो। देखना
एम्ब्रियो ना। चलो अब देखना, लार्ज सेल को बोलते हैं सस्पेंसर सेल, इसमें फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, और एक बड़ा सेल बनेगा जिसे हॉस्टोरियम बोलेंगे, फिर 6 से 10 सेल का लॉन्ग फिलामेंट बनेगा। अब देखो लास्ट वाले सेल को हाइपोफाइसिस बोलेंगे जो रेडिकल बनाएगा। अब देखो ये एम्ब्रियो, इसमें क्या होगा, एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन होगा, पहले ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, फिर पहले लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, फिर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, कुल मिला जुला के गोल गोल एम्ब्रियो बनेंगे जिसे बोलेंगे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो से हार्ड शेप एम्ब्रियो बनेगा, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। देखो मैच्योर एम्ब्रियो में हमने बताया था हाइपोफाइसिस क्या बनाएगा, रेडिकल, उसके बाद यहाँ जो है प्लीम्यूल है, और ये दो क्या है, कॉटिलेडन, दो कॉटिलेडन है, इसका मतलब डाइकॉट की बात कर रहा है, ये है मैच्योर एम्ब्रियो। अभी इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं आगे। चलो अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा इवेंट आएगा उस पे बारे में बात करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो अगर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो यहां पर देखो फर्टिलाइजेशन भी हो गया, हमने बताया था तीन स्टेप, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, द स्ट्रक्चर एंड इवेंट फॉलोइंग द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन को अगर फॉलो करें, इवेंट ऑफ एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म का इवेंट है और एम्ब्रियो डेवलपमेंट का इवेंट है, और मैच्यूरेशन ऑफ ओव्यूल इंटू सीड एंड ओवरी इंटू फ्रूट आर कलेक्टिवली टर्म, इसे एक साथ क्या बोला गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो अगर एंडोस्पर्म की बात करें तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स, बहुत पहले होता है, प्रीसीड्स मतलब पहले होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये पूछा गया व्हाई, क्यों पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब एम्ब्रियो, जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसे चाहिए नरिशमेंट, और अगर हमारे पास एंडोस्पर्म पहले नहीं बना तो नरिशमेंट कौन देगा, इसीलिए एंडोस्पर्म पहले बनता है, थोड़ा सा पहले से थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाता है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल डिवाइड रिपीटेडली, बार बार क्या होता है, डिवाइड करता है एंड फॉर्म ट्रिप्लोइड टिश्यू। क्या बनाते हैं, ट्रिप्लोइड टिश्यू, इसका मतलब माइटोसिस से डिवाइड कर रहे होंगे, ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू बनाते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू फिल्ड विथ, उसमें क्या होगा, रिजर्व फूड होगा। कह रहा जो पीईसी होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होता है, वो लगातार क्या करता है, डिवाइड करता है, क्या करता है, डिवाइड करता है और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, और इस एंडोस्पर्मिक सेल का यूज करेंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए। इन मोस्ट कॉमन टाइप एंडोस्पर्म जो होता है डेवलपमेंट, PEN undergo successive nuclear division, जो मोस्ट कॉमन टाइप, देखो यहां पर जो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है, हेलोबियल होता है, लेकिन हमें फ्री न्यूक्लियर थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्री न्यूक्लियर में क्या होता है, एक सेल है जिसमें एक न्यूक्लियस है, इसमें अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, बताओ कितने बनेंगे, दो, कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस फिर होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर तो बताओ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो गिव राइज टू, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे। अगर इसके देखो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, अब मान लो पेरी फेरी पे क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस हो गया, तो यहां पर बन गया सेल और इसे बोलेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म दोनों पाया जाए, तो वो होता है कोकोनट का एग्जाम्पल। देखो जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया, सब्सक्वेंटली इसके फ्लश रूप क्या होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन अकर एंड द एंडोस्पर्म बिकम, अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया तो एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा, सेलुलर, और नहीं हुआ तो फ्री न्यूक्लियर। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर द सेलुलराइजेशन वेरी करता है ग्रेटली, अलग अलग में अलग अलग होता है। द कोकोनट वाटर जो होता है फ्रॉम टेंडर कोकोनट, वो जो होता है जो कोमल जो सूखा हुआ वो नहीं, गरी का गोला जो बोलते हैं ना, कोकोनट से जो निकलता है कोकोनट जो होता है, उसमें जो वाटर मिल्क है वो नथिंग, कुछ नहीं है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ न्यूक्लियाई, और जो सराउंडिंग व्हाइट कर्नल है, जो व्हाइट वाला गरी जो खाते हैं हम, वो क्या है, वो है सेलुलर एंडोस्पर्म, जो पानी पीते हैं वो है फ्री लिक्विड पीते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो इस प्रकार एंडोस्पर्म हो गया। ये देखो ये स्ट्रक्चर देखो, यहाँ क्या है प्लीम्यूल, ये दोनों क्या है कॉटिलेडन, ये है हाइपोकोटाइल, और ये है रेडिकल, ये है रूट टिप। चलो अब देख लेते हैं जल्दी से,
एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म, फेट ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का भविष्य क्या होगा? देखो भैया, एंडोस्पर्म में भी आइदर कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देते देते पूरा खत्म हो जाए सीड में, क्या कंप्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे पी हो गया, ग्राउंड नेट हो गया, बीन्स हो गया, बिफोर सीड मैच्योरेशन से पहले ही खत्म हो गया, हो सकता है सीड मैच्योर होने के बाद थोड़ा बहुत बचा रह जाए, तो इसे बोलेंगे, इसका एग्जांपल है कैस्टर या कोकोनट, एंड यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। देखो स्प्लिट, अब ये सब बातें हो गई, देखो स्प्लिट ओपन कह रहा है, ओपन करो सम सीड ऑफ कैस्टर, पी, बीन्स, ग्राउंड नेट, फ्रूट, ये सब ओपन करो जो थोड़ो, फाइंड आउट द वेदर एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स। देखो इसमें व्हीट में, राइस में, मेज में एंडोस्पर्म क्या होता है, पाया जाता है, इसलिए इनके सीड को एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, और नहीं पाया जाएगा तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे ना। चल अब यहां पर एम्ब्रियो की बात कर रहा है, डाइकॉट एम्ब्रियो हमने पढ़ लिया, अगर अगर हम डाइकॉट एम्ब्रियो को यहां हम देखें, देखो यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो अगर हमने कभी चना खाया है तो देखो चना जो होता है ये दोनों होता है कॉटिलेडन, क्या होता है कॉटिलेडन, और कॉटिलेडन ये होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलेडन के जो नीचे वाला होता है उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल, जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है प्लीम्यूल, प्लीम्यूल पर, और एपिकोटाइल टर्मिनेट हो जाता है रेडिकल, और रेडिकल अगर जर्मिनेट इसे करेंगे तो रेडिकल बनाएगा रूट सिस्टम, प्लीम्यूल बनाएगा शूट सिस्टम या स्टेम बनाएगा, तो इसीलिए इसे स्टेम टिप बोलते हैं, और इसे बोलते हैं रूट टिप, क्या बोलते हैं रूट टिप, यही बात हमसे कर रहा है वहां पर ना। देखो एम्ब्रियो डेवलप, एम्ब्रियो डेवलप होगा माइक्रोपाइलर, क्योंकि एग कहां पाया गया था माइक्रोपाइलर, जाइगोट कहां पाया गया था माइक्रोपाइलर, तो एम्ब्रियो कहां बनेगा माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट सिचुएटेड, जहां की जाइगोट पाया गया था, मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड हो रहा है ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म फॉर्म्ड। यहां पर भी वही बात कर रहा है, कह रहा है पहले कुछ एंडोस्पर्म बनेगा तभी मोस्ट ऑफ द जाइगोट डिवाइड करेगा, और ये एक एडॉप्टेशन है ताकि हम प्रोवाइड कर सकें क्या न्यूट्रिशन, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। दो, हालांकि सीड डिफर ग्रेटली, सीड अलग अलग होते हैं, बट अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एम्ब्रियोजनी सिमिलर होता है बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। देखो मोनोकॉटिलेडन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, डाइकॉटिलेडन का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दोनों अलग होता है, लेकिन अर्ली स्टेज पे दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, डिपिक्ट द स्टेज ऑफ, दूसरे में दिखाया गया है, सुनो, जाइगोट गिव राइज टू पहले प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर, फिर हर्ट से फिर क्या बन जाता है मैच्योर एम्ब्रियो, हमने ऊपर मैच्योर एम्ब्रियो देखा। अ टिपिकल डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो, एक जो नॉर्मल डाइकॉटिलेडनस एम्ब्रियो होता है वो, उसमें क्या क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, अभी हमने देखा, दो कॉटिलेडन होता है, पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, कॉटिलेडन के जो ऊपर पाया जाता है, यहाँ कॉटिलेडन के जो ऊपर पाया जाता है, देखो कॉटिलेडन के जो ऊपर पाया जाता है उसे एपिकोटाइल बोलते हैं, विच टर्मिनेट हो जाता है किसमें, प्लीम्यूल में, या प्लीम्यूल को स्टेम टिप बोलते हैं। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन, जो कॉटिलेडन के नीचे है उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल, डैट टर्मिनेट जो टर्मिनेट हो जाता है किसमें, लोअर एंड में, जिसे रेडिकल या रूट टिप बोलते हैं। द रूट टिप कवर्ड विथ रूट कैप, रूट टिप जो होता है ये कवर्ड होता है रूट कैप द्वारा। अब एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉटिलेडन पसेस ओनली वन कॉटिलेडन, एक केवल एक कॉटिलेडन पाया जाता है इन ग्रास फैमिली, इस कॉटिलेडन को स्क्यूटेलम बोलते हैं, डैट इज सिचुएटेड lateral side of embryonal axis। इस बात को हम ऐसे समझाते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ये देखो ये क्या है, ये है मोनोकॉट का एम्ब्रियो, यहां पर एक कॉटिलेडन है, देखो ये एक कॉटिलेडन है जिसे स्क्यूटेलम बोला जा रहा है, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लेटरल साइड पे, कहाँ है लेटरल साइड पे, और इधर देखो ऊपर की तरफ क्या है, सूट अपेक्स है, और यहाँ पर कुछ लीफ प्राइमोडियम होते हैं, ये कवर्ड किसके द्वारा है, कोलियोप्टाइल द्वारा, ये एपिब्लास्ट है, एपिब्लास्ट मतलब दूसरा, जो यहाँ दो कॉटिलेडन हो, डाइकॉट में दो कॉटिलेडन होता है लेकिन यहाँ दूसरा ना होकर छोटा सा पार्ट निकला है, रेड्यूस बोल सकते हैं सेकेंड कॉटिलेडन, और ये देखो नीचे की तरफ रेडिकल है, रेडिकल के चारों तरफ रूट कैप, और इसको कवर किया है कोलियो राइजा, बात खत्म, एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को सूट अपेक्स और कुछ लीफ प्राइमोडियम होते हैं जिसको कवर करता है रूट कोलियोप्टाइल, और नीचे वाले को रेडिकल रूट कैप को कौन कवर कर रहा है, कोलियो राइजा कवर कर रहा है ना। चलो इसको देखते हैं, एट लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज लोअर ऑफ
लोअर एंड जो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का क्या है, उसके रूट कैप है, हमने पहले ही बोल दिया रेडिकल रूट कैप यूज्ड, जिसे यूज किया जा रहा है, इनक्लोज किया जा रहा है, अनडिफ्रेंसिएटेड इनक्लोज किया जा रहा है भैया, अनडिफ्रेंसिएटेड सीथ जिसे क्या बोलते हैं कोलियोराइजा, अनडिफ्रेंसिएटेड मतलब वो उसमें जो सेल है वो डिफ्रेंसिएट नहीं हुए हैं, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट, स्क्यूटेलम के अटैचमेंट के ऊपर के जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का लेवल होता है उसे बोलते हैं एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल के पास होता है सूट अपेक्स, हमने पहले बताया था लीफ प्राइमोडियम जो इनक्लोज्ड है हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर जिसे क्या बोलते हैं कोलियोप्टाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं कोलियोप्टाइल, कह रहा है सो मतलब भिगा दो क्या फ्यू सीड्स इन वाटर से वीट हो गया मेज हो गया पी चिक पी हो गया ग्राउंड नेट ओवरनाइट एक रात के लिए, देन स्प्लिट सीड उसके बाद सीड को स्प्लिट करो, ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एंड सीड को क्या कर सकते हो ऑब्जर्व कर सकते हो उसमें। अब आता है सीड, क्या आता है भैया कौन सा टॉपिक आता है सीड, देखो अगर हम सीड की बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो होता है कुछ, चलो अगर हम सीड की बात करें किसकी बात करें सीड की, तो इन एंजियोस्पर्म सीड इज फाइनल प्रोडक्ट, सीड क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज ऑफन अक्सर डिस्क्राइब किया जाता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल दिया जाता है, सीड को बताओ क्या बोला जाता है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, सीड कहां बनते हैं फ्रूट के अंदर, एज सीड टिपिकली कंसिस्ट, सीड के पास क्या होता है अगर चना तुमने खाया हो सीड के पास सीड कोट होता है, उसके बाद सीड कोट के बाद कॉटिलेडन, देखो चने के अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, उसके बाद एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलेडन जो होता है ऑफ एम्ब्रियो, ये कॉटिलेडन जो होता है एम्ब्रियो का सिंपल स्ट्रक्चर होता है और जनरली थिक और फूले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, क्यों ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि इसमें स्टोर होता है फूड का एज इन लेग्यूम, जैसा कि लेग्यूम में होता है, मैच्योर सीड जो मैच्योर सीड होता है मे भी हो सकता है सीड में एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म खत्म हो गया तो उसे बोलेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म, उसके पास एंडोस्पर्म बचा ही नहीं एज इट कंप्लीटली कंज्यूम, जो कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया गया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे पी में हो गया ग्राउंड नेट में हो गया, एल्ब्यूमिनस सीड जो होता है रिटेन थोड़ा सा पार्ट बच गया है एंडोस्पर्म का, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम उसे कंप्लीटली यूज नहीं किया गया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जैसे वीट मेज बार्ले कैस्टर हो गया, ऑकेजनली कभी कभी क्या होता है इन सम सीड सच एज ब्लैक पेपर काली मिर्च वीट रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस का जो रेमिनेंट होता है परसिस्टेंट बचा रह जाता है थोड़ा पार्ट, दिस रेसिड्यूअल इस बचे हुए परसिस्टेंट न्यूसिलस को बोलते हैं पेरिस्पर्म, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया रिसेंट ईयर में। चलो अब बात करते हैं जब ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा होगा सीड में तो इंटेगुमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टब प्रोटेक्टिव लेयर, ओव्यूल इंटेगुमेंट कन्वर्ट हो जाएगा सीड कोट में, द माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइल जो पाया गया था जो माइक्रोपाइल सीड में पाया गया था छोटा पोर अभी भी वो सीड जब ओव्यूल्स में माइक्रोपाइल स्मॉल पोर पाया गया था वो अभी भी स्मॉल पोर रहेगा किसमें इन सीड कोट, दिस फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ, ये फैसिलिटेट मदद करेगा एंट्री ऑफ माइक्रोपाइल एंट्री ऑफ वाटर इंटू सी वाटर एंड गैस ऑक्सीजन इंटू सीड ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन एज सीड मैच्योर, जब सीड मैच्योर होगा इट्स वाटर कंटेंट, इसका वाटर कंटेंट क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा एंड सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा, कितना ड्राई एकदम नहीं सूख जाएगा, 10-15% मॉइस्चर बाय मास अभी भी पाए जाएंगे, द जनरल मेटाबोलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो, जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है एम्ब्रियो का स्लो डाउन हो जाएगा और एम्ब्रियो इंटर कर जाएगा स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी जिसे बोलेंगे डॉर्मेंसी, और इफ फेवरेबल यदि फेवरेबल कंडीशन है तो क्या होगा यदि फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल है तो जैसे एडिक्वेट मॉइस्चर है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है सुइटेबल टेम्परेचर है दे जर्मिनेट, तब ये जर्मिनेट कर जाएंगे एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जैसे ही ओव्यूल मैच्योर हुआ सीड में ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट द ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन ओव्यूल इनटू सीड एंड क्या
ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले ओव्यूल फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, फिर ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, फिर ओव्यूल्स कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होता, दोनों एक साथ होते हैं। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। द फ्रूट जो होता है पेरिकार्प, पेरिकार्प बोलते हैं ना, द फ्रूट। अब कह रहा है इसमें कहा जा रहा है द फ्रूट में भी फ्लेसी, अब ये पेरिकार्प फ्लेसी हो सकता है, जैसा कि गवावा ऑरेंज और मैंगो में होता है, गुदेदार होता है, और मे भी ड्राई, ड्राई हो सकता है, एज इन ग्राउंड नट हो गया, मस्टर्ड हो गया। मेनी फ्रूट हैव इवॉल्व, बहुत सारे फ्रूट में विकसित होते हैं मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड, ताकि वो सीड को डिस्पर्ज कर सकें। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्जल मैकेनिज्म, यू स्टडी इन अर्लियर क्लासेस, पढ़ लिया। इज देयर एनी कोरिलेशन, कह रहा कोई रिलेशन है बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स एंड इन ओवरी एंड नंबर ऑफ सीड इन फ्रूट। भैया जितने ओव्यूल्स होंगे ओवरी में, उतने ही फ्रूट में क्या होंगे, सीड, क्योंकि ओवरी फ्रूट बना रहा है और ओव्यूल्स क्या बना रहा है, सीड में कन्वर्ट हो रहा है। चलो, मोस्ट ऑफ द प्लांट में बाई टाइम द फ्रूट, बाई द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट फ्रॉम ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट, अब जैसे अदर फ्लोरल पार्ट मतलब कैलिक्स करोला ये सब डीजनरेट हो जाएंगे और गिर जाएंगे। हाउएवर इन फ्यू स्पीसीज सच एज एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी और कैस्यू, एप्पल स्ट्रॉबेरी कैस्यू में थैलमस जो होता है ऑल्सो कंट्रीब्यूट, जो करता है किसमें कंट्रीब्यूट करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में। सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, इन्हें क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट। मोस्ट फ्रूट हाउएवर, हालांकि डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, केवल ओवरी से डेवलप होते हैं, एंड उस फ्रूट को क्या बोला जाता है, ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी केवल, अगर फ्रूट केवल ओवरी से बने तो उसे बोला जाता है क्या, ट्रू फ्रूट। अगर ओवरी के अलावा कुछ और इसमें यूज हो तो उसे बोला, कंट्रीब्यूट करे तो उसे बोला जाता है फॉल्स फ्रूट। ऑल दो, हालांकि इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है, एज आर देर आर फ्यू स्पीसीज, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं भैया, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं इन विच, जिसमें फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। सच फ्रूट और इस ऐसे फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जैसे बनाना वन ऑफ सच एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जिस पार्थिनोकार्पी इंड्यूस किया जा सकता है एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, उस ग्रोथ हार्मोन का नाम होता है ऑक्सिन। और ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो सीड बनेगा नहीं। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म, सीड प्रोवाइड करते हैं एंजियोस्पर्म को बहुत सारे एडवांटेज। फर्स्टली सीड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है इनडिपेंडेंट ऑफ वाटर, वाटर पे डिपेंडेंट नहीं होता, किसमें, किसमें, एंजियोस्पर्म में। लेकिन सीड जर्मिनेशन मोर डिपेंडेंट होता है वाटर पे, सीड जर्मिनेशन करने के लिए वाटर चाहिए लेकिन फर्टिलाइजेशन करने के लिए वाटर नहीं चाहिए। ऑल्सो सीड है बेटर एडॉप्टिव स्ट्रैटजी, इसमें अलग अलग तरीके होते हैं सीड डिस्पर्जल के, टू न्यू हैबिटेट, ताकि वो न्यू हैबिटेट पे बिखर जाएं, टू हेल्प स्पीसीज, ताकि स्पीसीज का हेल्प करें, टू कॉलोनाइज, अपनी कॉलोनी बनाने में, क्या बनाने में भैया, कॉलोनी बनाने में मदद करें, टू कॉलोनाइज इन अदर एरिया, दूसरे एरिया में, एज दे, यहां पर कहा जा रहा है एज दे हैव सफिशियंट फूड रिजर्व, इनके पास सफिशियंट फूड, दूसरा एडवांटेज क्या है, सीड के पास सफिशियंट फूड रिजर्व होता है ताकि वो फूड दे सके यंग सीडलिंग को, आर नरिश्ड, यंग सीडलिंग को क्या कर सके, नरिश कर सके, नरिशमेंट दे सके, अंटिल जब तक वो कैपेबल ना हो जाए किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑन देयर ओन। देखो जब तक ये खुद फोटोसिंथेसिस ना करने लगें तब तक इनको नरिशमेंट मिल सके, इसमें इतना फूड क्या होता है, रिजर्व होता है। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं। चलो अब बात करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। द हार्ड सीड कोट, जो हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, तीसरा एडवांटेज क्या है, हार्ड सीड कोट जो होता है प्रोटेक्शन देता है यंग एम्ब्रियो को, बींग, अब चौथा देखो, बींग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सीड जो होता है प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दे जर्मिनेट एंड न्यू जेनेटिक
कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमिट का फॉर्मेशन होना चाहिए, और गैमिट का फॉर्मेशन होने के लिए मियोसिस चाहिए, और मियोसिस के लिए मियोसिस फर्स्ट चाहिए, मियोसिस फर्स्ट होने के लिए प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट में होगा पैकेट इन, वहाँ होगा क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो नए नए कॉम्बिनेशन बनेंगे, और नए नए कॉम्बिनेशन होंगे तो लगातार क्या आएंगे भैया, वेरिएशन आएंगे। क्या आएंगे? वेरिएशन देखने को मिलेंगे। सीड इज द बेसिस ऑफ और एग्रीकल्चर। अपने एग्रीकल्चर का क्या होता है? बेसिस होता है डिहाइड्रेशन एंड डॉर्मेंसी। जो डिहाइड्रेशन, सीड को हम डिहाइड्रेट करा देते हैं, उसको डॉर्मेंसी स्टेट में चला जाता है, मैच्योर सीड। ये बहुत जरूरी होता है ताकि हम स्टोर कर सकें सीड को, विच कैन यूज, जिसे हम यूज कर सकें फूड थ्रू आउट ईयर, पूरे साल, एंड ऑल्सो रेज क्रॉप इन नेक्स्ट ईयर। अगर हम सीड को स्टोर करते हैं तो पूरे साल खाएंगे और नेक्स्ट सीजन में उससे क्या करेंगे, खेती करेंगे। कैन यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो एग्रीकल्चर विद अब्सेंस ऑफ सीड? नहीं। या सीड पाया जाए लेकिन वो उसमें वो जर्मिनेट करके सीडलिंग बना दे तो पूरे साल उसको स्टोर नहीं कर सकते। सून अवे, सून आफ्टर फॉर्मेशन कैन नॉट स्टोर, उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। हाउ लॉन्ग कह रहा है यहाँ पर, अगले टॉपिक में हमसे पूछा जा रहा है, हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव, कितने समय सीड जिंदा रह सकता है दे आफ्टर दे डिस्पर्जल, निकलने मतलब डिस्पर्स होने के बाद। दिस पीरियड अगेन, अगेन मतलब पॉलन ग्रेन में भी ये पीरियड वेरी कर रहा था। दिस पीरियड अगेन वेरी ग्रेटली इन फ्यू स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में जो होता है सीड लॉस वायबिलिटी, सीड लॉस करता है वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ, कुछ मंथ में। सीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, लार्ज नंबर के स्पीसीज जो होते हैं वो लॉस करते हैं वायबिलिटी सेवरल ईयर में, और सम सीड कैन रिमेन अलाइव, वो रह सकते हैं जिंदा हंड्रेड ऑफ ईयर। देर आर सेवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड एट बाइबल सीड, बाइबल सीड मतलब जिंदा सीड मिला है। ओल्डेस्ट, द ओल्डेस्ट डैट इज ल्यूपिन का, ल्यूपिनस आर्टिकस, जिसे एक्सकेवेटेड मतलब निकाला गया है खोद के, कहां से? आर्टिक टुंड्रा से, इसीलिए आर्कटिकस नाम रखा। सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड, फ्लावर्ड जब हमने सीड को 10,000 पुराने सीड को, साल पुराने सीड को इसे जर्मिनेट किया तो उसने फ्लावर और फ्रूट दिया। आफ्टर एस्टिमेट लगाया गया कि ये रिकॉर्ड 10,000 साल पुराना डॉर्मेंसी में पड़ा था, 10,000 साल से। रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 ईयर ओल्ड वाइबल सीड देखा गया इज द डेट पॉम, डेट पॉम का सीड था जिसे बोला गया फीनिक्स डक्टाइलीफेरा, डिस्कवर्ड किया गया ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, खुदाई की जा रही थी एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर, जो कहाँ पाया जाता है, डेड सी, वो भी वाइबल था। जब उसको जर्मिनेट किया तो फ्लावर फ्रूट दिया। अब देखना, कह रहा हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर, हाउ मेनी एग प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक, तो भैया कितने एग होते हैं? केवल एक एग होते हैं, एक एम्ब्रियो सैक में एक एग होता है। हाउ मेनी एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन ओव्यूल, ये भी एक ओव्यूल में जनरली एक एम्ब्रियो सैक होता है। हाउ मेनी ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवरी, ये एक भी हो सकता है, हो सकता है एक ओवरी में एक ओव्यूल्स हो सकता है एक ओवरी में एक से ज्यादा ओव्यूल्स हो। हाउ मेनी ओवरी प्रेजेंट इन टिपिकल फ्लावर, भैया एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाउ मेनी फ्लावर प्रेजेंट इन ट्री, भैया बहुत सारे हो सकते हैं। चलो ये हो गया, उसके बाद देखते हैं, ये देखो कुछ मल्टी, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हम उठा दे रहे हैं। देखो कह रहा है यहां पर, कैन यू थिंक सम प्लांट, क्या तुम सोच सकते हो कुछ प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड, जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ सीड हो। इसमें कुछ एग्जांपल दिया है, देखो ऑर्किड का जो फ्रूट होता है ये आर सच कैटेगरी, एंड ईच फ्रूट, प्रत्येक फ्रूट में थाउजेंड ऑफ टाइनी फूड होते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार इन द केस ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज, कुछ प्लांट के पैरासिटिक स्पीसीज होते हैं, ओरोबेंचे और स्ट्राइगा, इसमें भी मल्टी सीडेड स्ट्रक्चर होता है। मल्टी सीड मतलब एक से ज्यादा सीड फ्रूट में पाए जाते हैं, और फाइकस के फ्रूट में। पूछ रहा फाइकस का प्लांट कितना बड़ा होता है, तो भैया ऐसा देखा गया है कि 30 मीटर का प्लांट हो सकता है। चलो और कितना सीड प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे छोटे छोटे। एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, देखो भैया एपोमिक्सिस का माना होता है, सुनो एपोमिक्सिस देखो यार, जब हमने पूरा वीडियो बना लिया तो हमें पता चला कि एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी की बात क्या हुआ था, माइक बंद हो गया था पता नहीं क्यों,
तो फिर से अब यहां बात कर लेते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी से हमें बात करनी है। देखो एपो मतलब होता है एपोमिक्सिस मतलब होता है मिक्सिंग, एपो मतलब होता है विदाउट कह सकते हैं यहां पर, मतलब यहां पर जो सीड का फॉर्मेशन होगा बिना मिक्सिंग के होगा, मतलब फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, पॉली मतलब मेनी, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, अगर एक सीड में या एक ओव्यूल्स में ढेर सारे एम्ब्रियो तो उसे बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। कह रहा ऑल दो हम जानते हैं कि सीड इन जनरल ऐसा देखा जाता है ज्यादातर क्या होता है, इन जनरल अगर बात किया जाए सीड जो होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो प्रोडक्ट होता है फर्टिलाइजेशन का। बट इन फ्यू फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि कुछ स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी हो गया, उसके बाद ग्रासेस हो गया, हैव इवॉल्व्ड अपने अंदर विकसित करते हैं डेवलप करते हैं स्पेशल मैकेनिज्म, एक स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस, ताकि प्रोड्यूस कर सकें सीड को बिना फर्टिलाइजेशन के, और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनने की प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस। व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहां पर पूछा जा रहा है अगर फ्रूट का प्रोडक्शन हो बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। दस इस प्रकार एपोमिक्सिस जो होता है इज अ फॉर्म ऑफ एपोमिक्सिस, ना तो इसमें मियोसिस हो रही है ना तो इसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये क्या है, एपोमिक्सिस फॉर्म है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन बना क्या रहा है, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, सीड, तो सीड भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बनता है ना, तो ये है तो फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन मिमिक्स मतलब कॉपी कर रहा है, किसकी कॉपी कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है। देयर आर सेवरल, बहुत सारे वे मतलब तरीके होते हैं ऑफ डेवलपमेंट के ऑफ एपोमिक्टिक सीड के डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। इन सम स्पीसीज, कुछ स्पीसीज में द डिप्लॉयड एग, जो डिप्लॉयड एग सेल होता है फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन, डिप्लॉयड एग जो होता है, एग जो होता है हमें पता है वो रिडक्शन डिवीजन द्वारा बनता है, लेकिन यहां पर बिना रिडक्शनल डिवीजन के बन गया तो 2n हो गया और यही बना दिया एम्ब्रियो, क्या बना दिया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बन गया सीड, क्या बन गया सीड, एंड डेवलप इंटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, डेवलप हो गए एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन। मोर ऑफन अक्सर ये देखा जाता है एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटी सम ऑफ द न्यूसिलर सेल, इसमें क्या होता है, कुछ न्यूसिलर सेल, जैसे मान लो हमने ये क्या बना दिया ओव्यूल्स, क्या बना दिया ओव्यूल्स ना, और यहां होगा न्यूसिलर सेल, एम्ब्रियो सैक, और इसके चारों तरफ जो होंगे वो होंगे न्यूसिलर सेल। अब देखो एक एम्ब्रियो सैक जो नॉर्मली बना है, लेकिन उसके बाद जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है, अब देखो यही न्यूसिलर सेल, सम न्यूसिलर सेल सराउंडिंग, जो किसको, किसकी सराउंडिंग में, किसको सराउंड किए हैं, एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग, डिवाइड करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, एंड प्रोट्रूड इनटू एम्ब्रियो सैक, और ये भी अब नए नए एम्ब्रियो सैक बना देंगे। तो जनरली एक ओव्यूल में एक एम्ब्रियो सैक हुआ करता था, लेकिन अब एक ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियो सैक है, अब एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएगा किसमें, इसमें डेवलप हो जाएगा एम्ब्रियो, और ये ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, तो सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होंगे। तो कह रहा है इन सब सन इन सच स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज में ओव्यूल्स कंटेंस, ओव्यूल्स के पास क्या होता है, मेनी एम्ब्रियो होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो होते हैं। अक्रेंस ऑफ, अक्रेंस मतलब पाया जाना, मोर देन वन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो से ज्यादा पाया जाना इन अ सीड, सीड में रिफर्ड किया जाता, उसे बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, क्या बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी। यहां कहा जा रहा है टेक आउट द सम सीड, कुछ सीड लो ऑरेंज के, स्क्वीज दे, उसको निचोड़ लो, ऑब्जर्व करोगे मेनी एम्ब्रियो पाए जा रहे हैं डिफरेंट साइज के, डिफरेंट शेप के, फ्रॉम ईच सीड, प्रत्येक सीड से, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ईच सीड, उसका नंबर काउंट कर सकते हो, मोर देन वन होगा हमेशा। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ एपोमिक्टिक एम्ब्रियो, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का जेनेटिक नेचर क्या होगा भैया, ये सेम होंगे सारे के सारे एम्ब्रियो, क्या होंगे सेम, क्योंकि ये फॉर्म है किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म है।
कैन दे बी कॉल्ड क्लोन, क्या हम इसे क्लोन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं क्लोन, यस, क्योंकि ये सारे के सारे सेक्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। क्या हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बने हैं, तो सारे के सारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे, और एक जैसे को क्या बोला जाता है? क्लोन बोला जाता है ना। चलो देखना, अब इस लाइन को मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, देखो दो लोग हैं जो खेती करना चाह रहे हैं, एक है एक बंदा है जो खेती करना चाह रहा है नॉर्मल सीड के साथ, और दूसरा बंदा है जो खेती करना चाह रहा है हाइब्रिड सीड के साथ। अब देखो, जो नॉर्मल सीड से खेती करना चाहेगा, नॉर्मल सीड तो हमें मिल जाएगा आसानी से, मार्केट में कम रेट में मिल जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी उसकी कम होगी। हाइब्रिड सीड, ये मान लो हमने हाइब्रिड सीड खरीद के लाया, कौन से सीड? हाइब्रिड सीड खरीद कर लाया भैया, और हाइब्रिड सीड जो होगा एक्सपेंसिव होगा, इसमें ज्यादा खर्चे लगेंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि दो प्लांट के हाइब्रिड कैरेक्टर को इसमें मिलाया गया है। अब हमने इस सीड को जर्मिनेट किया और बना प्लांट, प्लांट में लगा फ्रूट, क्या लगा? फ्रूट। अब उस फ्रूट के अंदर बना सीड, अब ये जो हाइब्रिड सीड था उससे हमने प्लांट बनाया, अब ये जो हमें सीड मिला वो उसमें हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हाइब्रिड सीड बनाएंगे तो हाइब्रिड सीड को जर्मिनेट करेंगे तो प्लांट बनेगा, और जब प्लांट बनेगा तो उसमें फ्लावर लगेंगे, फ्लावर लगेंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, और मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में गैमीट बनेगा, गैमीट बनेगा तो मियोसिस हुआ होगा, मियोसिस फर्स्ट भी होगा, तो मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट में, पैकी तीन में भैया क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, और ये जो हाइब्रिड करेक्टर था वो इस सीड में मेंटेन नहीं हो पाएगा, करेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। मतलब जैसा सीड ये था वैसा सीड ये नहीं रह पाएगा, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा बन रहे हैं, तो हमें हाइब्रिड सीड को सबसे पहली बात हर साल खरीदना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं होगा कि एक बार सीड खरीद लिया तो प्लांट बना, जो सीड निकला फिर उससे अगले साल उस सीड को जर्मिनेट कर दिया, ऐसा नहीं होगा कि एक बार सीड खरीदना पड़े, यहां हर साल सीड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लांट बनेगा, जो उसका सीड होगा, वो क्या होगा? हाइब्रिड करेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो यही बात हमसे कही है, तो ये दिक्कत आती है कुछ। चलो यहां हम टॉपिक नहीं है यार ना, यहां पर रीडिंग करा रहे हैं। हाइब्रिड वैरायटी जो होता है ऑफ सेवरल और फूड, जो अपने कई सारे फूड होते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स होते हैं, विंग एक्सटेंसिवली उसे क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पे खेती की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रेमेंडसली, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर इंक्रीज किया करता है प्रोडक्टिविटी। वन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड का जो एक प्रॉब्लम आता है, हैव बीन प्रोड्यूस एवरी ईयर, प्रत्येक ईयर प्रोड्यूस किया जाता है। इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड, यदि सीड कलेक्ट किया गया हाइब्रिड से और सोन, उसे जर्मिनेट कर दिया गया, लगा दिया गया, प्लांट इन प्रोजनी, प्लांट जो है प्लांट इन द प्रोजनी विल सेग्रीगेट। अब प्रोजनी क्या करेगा? सेग्रीगेट कर देगा, एंड डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड करेक्टर, इस सीड के हाइब्रिड करेक्टर को मेंटेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली, बड़े महंगे हैं, हेंस इसलिए कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव, फार्मर के लिए बहुत महंगा है। इफ दीज सीड, अब कुछ ऐसा कर दिया जाए कि यही सीड एक बार जर्मिनेट करने के बाद बार बार ना खरीदना पड़े, तो ये जो हाइब्रिड सीड है इसमें हम डाल देते हैं किसी भी प्रकार से, अगर एपोमिक्टिक जीन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं? एपोमिक्टिक जीन। तो अब इस सीड को लगाओगे, जो प्लांट बनेगा उसमें जो सीड बनेगा वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बनेगा, बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। तो इस सीड और इस सीड, ये सीड जो यहां पर है और ये सीड जो बना है प्लांट, दोनों का करेक्टर सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि हमने एपोमिक्टिक जीन डाल दिया है। ये एपोमिक्सिस को क्या करेगा? इंड्यूस करेगा। तो अब जो सीड बनेगा ये इसी के जैसा होगा, क्योंकि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब हम क्या कर लेंगे, इस प्लांट से सीड निकाल लेंगे, फिर अगले साल उसे क्या कर देंगे, जर्मिनेट कर देंगे, खेती कर लेंगे, फिर उससे सीड निकाल लेंगे, एक बार खरीदना पड़ेगा। यहां पर देखो, इफ दीज हाइब्रिड आर, अगर ये हाइब्रिड मेड बनाया जाए इनटू एपोमिक्टिक्स बनाया जाए, देयर इज नो सेग्रीगेशन, इनमें सेग्रीगेशन नहीं होगा करेक्टर का, इन द हाइब्रिड प्रोजनी, जो हाइब्रिड प्रोजनी बना है, देन द फार्मर कैन कीप, फार्मर रख सकता है उसे, ऑन यूजिंग हाइब्रिड सीड टू रे, हाइब्रिड सीड का यूज कर सकता है टू रेज न्यू क्रॉप, नए नए प्लांट बनाने के लिए, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, डज नॉट हैव बाई हाइब्रिड सीड एवरी ईयर, अब उसे हर साल सीड खरीदने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस की इंपॉर्टेंस देखते हुए इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री एक्टिव रिसर्च हो रहे हैं, इज गोइंग
हो रहे हैं ऑन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड में लेबोरेटरीज हैं उसमें बहुत सारे क्या हो रहे हैं, स्टडी हो रहे हैं टू अंडरस्टैंड, ताकि हम समझ सकें जेनेटिक ऑफ एपोमिक्सिस की, जेनेटिक क्या है एपोमिक्सिस की, एंड ट्रांसफर ऑफ एपोमिक्टिक कैसे ट्रांसफर किया जाए, हाइब्रिड वेराइटी में कैसे ट्रांसफर किया जाए, ये अपनी बात हो गई यहाँ पर। बस यहाँ एक चीज और लिख लेना, बस बात को खत्म कर देते हैं। यहां लिख देना भैया, ये जो सीड है ना, ये जो सीड देख रहे हो ये बीन का सीड है, यहां लिख लेना ये कैस्टर का सीड है, और इसकी लेबलिंग दिमाग में रखना, ये जो है अनियन का सीड है, और ये हमें पता है किसका सीड है, मेज का, फर्स्ट एनसीईआरटी में दिया ना, ये मेज का सीड है। चलो अब देखो यहां पर जो दिया है, यहां पर जो है ये है, ये वाला जो है ये है एलएस एप्पल, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा गया है एप्पल का, और ये है ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया है किसका, एप्पल का, क्या काटा गया है ट्रांसवर्स सेक्शन, और यहां पर क्या है, यहां पर जो है एलएस ऑफ स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी का क्या काट के दिखाया गया है, एलएस काट के दिखाया गया है ना। चलो ये बात अपनी कंप्लीट हो गई, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।